शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चार डजन ब्रिटानिया टाइगर बिस्किट दीजिए राजन भाई। चार डजन ब्रिटानिया टाइगर बिस्किट मंदिर ले जाना। Morning to you kids. And how are you this morning? Fine, thank you. Good. आंटी, आज का लेसन क्या है? आज का लेसन है, हाँ, अपने टीचर्स की इज्जत करना और अपनी मम्मी डैडी की खूब सेवा करना और उनसे ढेर सारा प्यार करना. Okay? Thank you, आंटी. Welcome. Bye bye. Have a nice day. मॉर्निंग मिस्टर श्याम, ये सब क्या हो रहा है? मिसेस ब्रिटानिया, इंडियंस ने जो हमारे टाउन में बड़ा हॉस्पिटल बनाया था उसी का ये सिल्वर जुबली फंक्शन है। ओह, आई सी। और इस फंक्शन में वे तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं
जिन्हें आज से 25 साल पहले इस हॉस्पिटल को बड़ी मेहनत से बनाया था मैडम। What? और इस फंक्शन में आपको इनवाइट करने के लिए हमारे सेक्रेटरी आपके घर गए हुए हैं मिसेस ब्रिटानिया। जो लोग हिंदुस्तान से आ रहे हैं क्या उनकी लिस्ट है आपके पास? Yes, मैडम। Can I sit, please? Oh, sure, sure. Thank you. सुनील मल्लिक, कुमार सिन्हा, अमर खन्ना। मिसेस ब्रिटानिया कुछ परेशान लग रही हैं। अभी हलवा खिला के इनकी टेंशन दूर करता हूँ। या मरिया, मरिया, ओह गॉड, मरिया, कमिंग मैडम, कमिंग। मरिया, क्या हुआ मरिया? कब से चिल्ला रही हो? मैडम, हॉस्पिटल का फंक्शन के लिए कुछ लोग आपको इनवाइट करने को आया था। ओ, ये सब छोड़ो, ये बताओ हिंदुस्तान से कोई फोन तो नहीं आया था? फोन नहीं आया, तीन चिट्ठी आया है। तीन चिट्ठी? हाँ। इंडिया से? हाँ। ओह नो। ओह यस मैडम। ओह नो। डियर आशा, 19 साल हो गए, अपनी आंखों में बसी तुम्हारी वो प्यारी प्यारी सूरत सिर्फ अपने ख्यालों में देखता रहा। अब मैं बहुत जल्द मॉरिशस आ रहा हूँ। विश्वास नहीं होता इतने साल अपनी बेटी जिया को देखे बिना कैसे गुजार दिए मैंने। तुम्हारा सुनील मलिक। माय डियर आशा, कितने सावन, कितनी बहारें, कितने मौसम गुजर गए, हम नहीं मिले, मगर अब मिलने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ हमारे मोहब्बत की निशानी जिया भी होगी। मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा कुमार। आशा डार्लिंग, मैं बेताब हूँ तुम्हें और अपनी बेटी जिया को देखने के लिए। बड़ा सुंदर नाम है जिया, मेरी मॉरिशियन बेटी। डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा अमर खन्ना। ओह गॉड, क्या हुआ मैडम? खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा नाम, इज्जत, शोहरत, पोजीशन, समझ लो सब कुछ मिट्टी में मिल गया मरिया। अरे ऐसा कौन सा तूफान आ गया? कल तक कोई कुछ नहीं जानता था, मगर आज आज हर कोई सब कुछ जान जाएगा। कल तक जो राज राज था किसी को शक भी नहीं था, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं मरिया, मगर अब सब जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि क्योंकि वो तीनों हिंदुस्तान से आ रहे हैं। संभल के चलो भाई, यहाँ की जमीन बड़ी चिकनी है, एक बार जो यहाँ फिसलता है ना तो फिसलता ही रहता है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बार मैं भी यहाँ फिसला था, दर्द अभी तक हो रहा है। तुम्हारा क्या है, तुम तो कहीं भी फिसल जाते हो। तुझे भी नीचे है क्या? ये लो पत्नी जी, जरा सामान का ख्याल रखना। ओहो, मैं सामान का ख्याल रखूं या बच्चों का? अरे बच्चे तो फिर भी पैदा हो जाएंगे, अगर पराए मुल्क में सामान खो गया तो कहाँ से पैदा करूँगा। मैं भी आया। मम्मी मम्मी मुझे भी जाना है। इसे भी साथ ले जाओ। पापा मुझे भी जाना है। सारे खानदान को साथ भेज दो, तुम भी साथ चलो वहाँ। ठीक है, आओ लल्लू प्रसाद। आज से पहले आपके चेहरे पर इतनी खुशी कभी नहीं देखी। सपना डालिंग, उसे देखने की खुशी में दीवाना हो रहा हूँ। किसे? बरसों पहले यहाँ आकर जो कारनामा किया था ना उसे। कारनामा? अरे यहाँ आकर जो हॉस्पिटल बनाया था। चलो चलो। अरे मैडम, हम इतना साल से आपको अपना बेटे का जैसा केयर किया, हमको भी कुछ नहीं बोलेगा? अरे मैडम, फॉर गॉड से कुछ बोलो, बोलने से अपना मन का बोझ हल्का हो जाता है। यू आर राइट। ओ मरिया, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं नहीं भी बताऊंगी ना तभी तभी तुम्हें मालूम तो पड़ ही जाएगा। 19 साल पहले की बात है मरिया, मेरे पापा अचानक बीमार हो गए। ठीक हो जाएंगे पापा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिस आशा जी, डॉक्टर साहब जरा यहाँ आइए। जी जी। मिस आशा, आपके पापा की सब रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा, सब ठीक तो है ना? उन्हें कैंसर है। ये दवाइयाँ अर्जेंट हैं, काफी महंगी हैं, जाइए जल्दी लेकर आइए। जी।
लिया दुनिया वालों को, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुरे वक्त में कोई भी काम नहीं आता। बैठी बैठी क्या सोच रही हो, बिना दवाइयों की तड़प तड़प कर मर जाने देगी क्या अपने पापा को? मैं अपने पापा को मरने नहीं दूंगी। लेकिन तू उन्हें कैसे बचा सकती है? उनके इलाज के लिए हजारों रुपए चाहिए। कैंसर की बीमारी है उन्हें, कैंसर की, कहां से लाएगी इतने सारे रुपए और महंगी महंगी दवाइयां, डॉक्टर्स की फीस और हॉस्पिटल का बिल? नामुमकिन, इतने सारे रुपए कहां से लाएगी? तेरे बस की बात नहीं है आशा, तू अपने पापा को बचा नहीं सकेगी। मर जाएगा तेरा पापा, मर जाएगा। नहीं, मैं अपने पापा को मरने नहीं दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, अपना जमीन बेच दूंगी, अपना जिस्म बेच दूंगी, लेकिन अपने पापा को मरने नहीं दूंगी, अपने पापा को मरने नहीं दूंगी। मेरी बदनसीबी, मेरी जरूरत मुझे एक बियर बार में ले गई और वहां मेरी मुलाकात अमर खन्ना से हुई, जो कुछ लम्हे मेरे साथ गुजार कर उसी रात अपने वतन हिंदुस्तान लौट गया। बस मिस आशा जी, ये दवाइयां और लाइए जल्दी। फिर से मैं फिर उसी बियर बार में गई और इस बार मेरी मुलाकात कुमार सिन्हा से हुई। वो भी एक रात गुजारकर दूसरे ही दिन इंडिया वापस चला गया। उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, ये इंजेक्शन जल्दी लेकर आइए। इंजेक्शंस? फिर से? पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मुझे फिर उसी बियर बार में जाना पड़ा और इस बार मेरी मुलाकात सुनील मल्लिक से हुई और वो भी थोड़ा वक्त गुजार कर वापस हिंदुस्तान चला गया। मेरी बदनसीबी तो देखो मरिया, अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी मैं अपने पापा को नहीं बचा सकी। और उस दिन तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। ओह माय गॉड, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और उन्हीं दिनों एक महान औरत हमारे इलाके में आई, मिसेस चौधरी। मेरी प्यारी बहनों, हम औरतों को संसार में ऐसा काम करना चाहिए कि मर्दों के साथ कंधा मिलाकर चलने में फख्र महसूस करें। इसके लिए हमें बनना पड़ेगा एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ। और इन सब तमाम अच्छाइयों के लिए हमें जरूरत है अच्छे चरित्र की। औरत का चरित्र सफेद चादर होता है और अगर उस पर दाग लग जाए तो वो कभी नहीं धुलता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे चरित्र पर दाग न लगे, तभी औरत एक महान हस्ती बन सकती है। नमस्ते। कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ, आज आपके औरतों के बारे में विचार सुनकर मुझे अपने आप से नफरत हो गई। अरे अरे, ऐसा क्या हुआ बेटी? मुझे जरा जल्दी है, आओ मेरे साथ आओ, गाड़ी में बात करते हैं। जी आओ। देखो आशा, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे चरित्र पर जो दाग लगा दिया है वो तो धुल नहीं सकता। बगैर बाप के औलाद को जन्म दोगी तो समाज क्या कहेगा? दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, इसलिए तुम इस इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में चले जाओ जहां तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता हो। वहां जाकर अपना जीवन
समाज सेवा में लगा दो और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक अच्छी माँ बनो। अ ग्रेट मदर। उनकी इस बात ने मेरे दिल में जगह बना ली और मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया कि और कुछ नहीं तो मैं एक अच्छी मदर जरूर बनूंगी। और इसी इरादे से मैंने वो इलाका छोड़ दिया और इस इलाके में आ गई। यहां आने के बाद मैं बहुत तन्हा और अकेलापन महसूस करने लगी और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैंने धड़कते दिल से एक दिन सुनील को बॉम्बे टेलीफोन किया और जैसे ही मैंने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो मारे खुशी के पागल हो गया। कहने लगा, डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हें हर महीने चेक भेजता रहूंगा, बस तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। कैन यू बिलीव दिस? फिर मैंने कुमार सिन्हा को इलाहाबाद और अमर खन्ना को जलंधर फोन किया और कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो दोनों भी खुशी से फूले नहीं समाए और हर महीने चेक भेजने का वादा किया और आज तक वो चेक भेज रहे हैं। मरिया, मतलब 19 साल से हर महीना वो लोग आपको चेक भेजता रहा? यस मरिया, 19 साल से वो तीनों मुझे लगातार चेक भेजते रहे। तीनों? यस, 500 रुपए हर महीने से शुरू हुए, फिर 10, 15, 20 हजार तक पहुंच गए। पर इन तीनों में से जिया बेबी का बाप कौन है? ओ मरिया, क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो तुम? मेरी जिंदगी में 10 दिन के अंदर अंदर 3 मर्द आए और चले गए। तुम भी तो एक औरत हो ना, तुम ही मुझे बताओ। मैं कैसे बता सकती हूँ कि उन तीनों में से जिया का बाप कौन है? हाँ, जिया का बाप कौन है तुमको भी नहीं मालूम? ऑफ कोर्स मालूम। मालूम? हाँ। कौन? उन तीनों में से कोई एक। हाँ। मगर वो एक कौन है ये मुझे भी नहीं मालूम। अरे कमाल है, तुमको भी नहीं मालूम? अरे जॉनी भाई, तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ? तो क्या तुमने सचमुच सब कुछ सुन लिया? हाँ मिसेस ब्रिटानिया, आपकी जिंदगी की कहानी सुनकर मैं इतनी टेंशन में आ गया कि जो हलवा आपको खिलाने के लिए लाया था टेंशन में आके खुद ही खा गया। देखो जॉनी भाई, ये राज किसी से मत कहना प्लीज, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। हाँ? डोंट वरी मिसेस ब्रिटानिया, जैसे दिल में धड़कन छुपी रहती है वैसे ही आज के बाद ये राज हमेशा मेरे दिल में छिपा रहेगा। मगर ये मिस्टर ब्रिटानिया कौन है? जब मैं जिया का नाम स्कूल में लिखवाने गई तो प्रिंसिपल ने मुझसे जिया के बाप का नाम पूछा। मैं परेशान हो गई कि अब मैं जिया के बाप का नाम क्या बताऊं। सामने ब्रिटानिया बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था। मैंने कह दिया कि मेरी बेटी के बाप का नाम है मिस्टर ब्रिटानिया। दूसरा कोई नाम नहीं मिला, बिस्किट का नाम रख लिया। अरे तो और क्या करती, वहां ब्रिटानिया बिस्किट के पास एक थम्स अप की बोतल भी पड़ी थी, तो क्या मैं अपना नाम मिसेस थम्स अप रख ली थी? किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला, मैं दुनिया के साथ खेल गई। नया नाम, नई जिंदगी और अपनी एक नई दुनिया बसा ली। और अब मैं इन तीनों के साथ बिल्कुल नहीं मिलना चाहती क्योंकि इन तीनों की वजह से मेरा बना बना सब कुछ बिगड़ सकता है। अगर ये सब जिया को पता चल गया तो क्या होगा? तो भूचाल आ जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा। दुनी दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोला। What do you mean by सोला? एक दुनी दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोला। 6 महीने की तेरे है फिर तू 16 बरस की हो जाएगी। Oh, you mean sweet 16? 6 महीने की देर है फिर तू 16 बरस की हो जाएगी। 16 बरस की होते ही तू सबके होश उड़ाएगी। ओ रियली? एक दुनी दो दुनी चार, चार दुनी आठ, और आठ दुनी सोला। एक दुनी दो दुनी चार, चार दुनी आठ, और आठ दुनी सोला। 16 बरस दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोला। एक दुनी दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोला। ये बाप, ये बाप, ये बाप, ये बाप, ये बाप, ये बाप।
बड़ी बड़ी रंगत होगी, खिली खिली चर्चे होंगे, गली गली बाहों में आने दो अब रोको ना मुझे, मौसम होगा हरा हरा, यौवन होगा हरा भरा, हलचल होगी जरा जरा, सीने से लगा के जाने जाना मैं चाहूंगा तुझे। चार चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोलह, बरस के बाद ये लड़की बन के पतंग उड़ जाएगी, सोलह बरस के बाद ये लड़की बन के पतंग उड़ जाएगी, पीछे पीछे दौड़ेगा तू हाथ न तेरे आएगी। लब से खेलूं कभी नहीं, थोड़ा छेड़ूं नहीं नहीं, तेरी ऐसी बात मैं दीवाने में लाने वाली, मर्जी है क्या किसे पता, चलती है क्या कहां भला, यूं ना तड़पा जीना चला, कैसा है दीवाना मेरा माने ना माने ना माने, एक दुनी दो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोलह, एक दुनी दो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोलह, छह महीने फिर तू सोलह बरस की हो जाएगी, yeah, I know. छह महीने की देर है फिर तू सोलह बरस की हो जाएगी, सोलह बरस की होते ही तू सबके होश उड़ाएगी। एक दुनी दो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, और आठ दुनी सोलह, एक दुनी दो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोलह, एक दुनी दो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, अरे आठ दुनी सोलह। ओ लला सुतीन। ओह गॉड। अच्छा राज, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं छह महीने बाद सोलह साल की हो जाऊंगी? ऑफ कोर्स, यू आर अ बेबी। नो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी सूचना के लिए, मैं 18 साल 2 महीने और 17 दिन की हूँ। क्या तुम 18 की हो गई? तब तो लाइन क्लियर है यार। मतलब? चलो मेरे घर मम्मी से मिलने चाय पर। ओ, चाय पर? Yes. चलो। डैडी, आई लव राज। अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। मेरे सामने वो दूसरी लड़की को प्यार करता है, मैं जहर खा लूंगी। नहीं नहीं बेटी, मैं हूँ ना। अरे निशा बेबी, जहर खाने का कोई जरूरत नहीं है। अरे उसको प्यार करने दो, मोहब्बत करने दो किसी और से, लेकिन ब्याह तुमसे ही होगा और करवाएगा आपका ये दास इंटरनेशनल मैरिज एजेंट सुंदर दास, जो ऑलवेज ठीक बोलता है और नॉनवेज नहीं खाता है। अगर तुम मेरी बेटी की शादी राज के साथ करवा दोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अरे सेठ जी, आप काहे को चिंता करते हैं है? अरे हम बड़े बड़े फिल्म स्टार का इंडिया जाके ब्याह करवाए हैं है? और यहाँ मॉरिशस में बड़े बड़े मिनिस्टर का ब्याह करवाए हैं, अमेरिका लंदन में ब्याह करवाए हैं। अरे सुंदर दास ऑलवेज ठीक बोलता है और नॉनवेज नहीं खाता है। लेकिन ये राज है किसकी औलाद? अरे हमसे क्या पूछते हैं, हमको क्या मालूम, उनसे पूछे ना। हाँ, बेटी ये राज किसका बेटा है? वो मिसेस चौधरी का ग्रैंडसन है। ओ मिसेस चौधरी, अरे फिर तो और बिजी हो गया है, क्योंकि राज के बाप का ब्याह मिसेस चौधरी की बेटी से हम ही करवाए थे और 2 घंटे के बाद तलाक भी करवा दिए थे। 2 घंटे के बाद? नहीं नहीं, हमारा मतलब है 2 साल के बाद। अरे सेठ जी, ये अमीरों को ब्याह की भी बहुत जल्दी होती है और तलाक की भी बहुत जल्दी होती है। एक काम करते हैं, मिसेस चौधरी के घर चलते हैं और चट मंगनी पट ब्याह करते हैं। देखो मामा, कौन आया है? जिया, मेरी कॉलेज फ्रेंड। नमस्ते। पढ़ाई में नंबर वन, खेल कूद में नंबर वन, और म्यूजिक और डांस में तो इसका जवाब ही नहीं। क्या तुम कॉलेज में नाचने गाने जाते हो? ओ मामा, नृत्य और संगीत तो एक कला है, क्यों नानी? कहाँ रहती हो तुम? जी मैं कैथरबॉर्न में रहती हूँ। हम तो कैथरबॉर्न के तमाम लोगों को जानते हैं। इसकी बेटी हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे डैडी का? जी मेरे पापा का नाम मिस्टर। प्रणाम प्रणाम, मिसेस चौधरी को सुंदर दास का प्रणाम। नमस्कार भाभी जी, कैसी हैं? देखिए, आपसे भेंट करने के लिए सेठ धनराज जी अपनी बेटी के साथ पधारे हैं। इनका नाम निशा है। नमस्ते कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। निशा बेबी और राज बाबा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना? और भाभी जी, बेटा हो तो ऐसा, अरे दिखने में भी हीरा और मन का भी हीरा। सुंदरदास ठीक ही कहता है,
सुंदरदास आल भेज ठीक कहता है और नान भेज नहीं खाता है। सुंदरदास बात क्या है? आप तो जानती ही है ना मिस्टर चौधरी कि सुंदरदास हरफन मौला है, यानी कि प्रॉपर्टी का दलाल, नौकरी का दलाल, सब्जी मंडी में गेहूं चावल आटा दाल का दलाल, फ्रूट का दलाल और यहाँ तक कि शादियों का भी दलाल। Oh, really? So you're king of dalals. Come on, Jia, let's go. राज आप चिंता मत कीजिए, हम देखता हूँ। राज घर का ऐसा चिराग है जो पूरे परिवार को रोशन कर देगा, लेकिन ये रोशन चिराग के साथ बुझा हुआ दिया किसका है? ओ, समझ गया, ऐसी वैसी कोई लड़की होगी। हाँ। दौलत की चमक देख के चिपक जाती है, लेकिन भाभी जी ऐसी लड़कियों से चौकन्ना रहिएगा, ये माँ बेटों के बीच में दरार पैदा कर देती हैं। सुंदरदास ठीक कहता है। सुंदरदास आदवेज ठीक कहता है और नॉनवेज नहीं खाता है। देखिए, हम आपका घर का चराग के लिए ये जगमगाता दिया लेकर आया हूँ। दुनिया इसको राज के साथ देखेगी ना तो चांद और सूरज का जोड़ी कहेगी। सुंदरदास ठीक है, ठीक है। सुंदरदास रिश्ता तो तुम बहुत अच्छा लाए हो और फैमिली भी हमारे क्लास की है। अरे बिल्कुल आपका क्लास की है, शिपिंग कारपोरेशन के मालिक हैं, डायमंड मर्चेंट हैं, 10 sugar फैक्ट्री हैं और सिर्फ एक बेटी है। तो हम चाहता हूँ कि आपके खूबसूरत बेटे के साथ इनकी खूबसूरत बेटी का रिश्ता जुड़ जाए तो एक खूबसूरत परिवार बन सकता है। मिसेस चौधरी आप काहे को साइलेंट बैठा है? सुंदरदास रिश्तों के मामले में कभी फेल नहीं हुआ है, कनेक्शन जोड़ा है तो नंबर वन। रिश्तों के मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं, हमें राज की मर्जी जानना जरूरी है। आइडिया! क्या? टेरिफिक आइडिया! सब मुश्किलों से छुटकारा। कुछ दिनों के लिए मैं और जिया इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे और जब तक ये तीनों हिंदुस्तान वापस नहीं लौट जाते तब तक मैं और जिया भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो लोग इधर आ गया तो कह देना कि मुझे उनकी कोई छुट्टी नहीं मिली और ये भी कहना कि मैं और जिया हाँ टोक्यो चले गए हैं और तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कब लौटेंगे। ओके मैडम। एंड यू नो समथिंग, कल तक मैं एक छोटी सी मजबूर लड़की थी मगर आज मैं लड़की नहीं औरत हूँ, एक इज्जतदार और जिम्मेदार मदर हूँ, मिसेस ब्रिटानिया हूँ जिसे सारा शहर सलाम करता है, मेरी इज्जत करता है और मैं अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि मेरी परछाई से मेरी बेटी की जिंदगी जल जाए, कभी नहीं चाहूंगी। कम ऑन मरिया, लेट्स गो, पैकिंग करना। यस मैडम। मामा देश में बेबी जा रही है। मैं नहीं, हम। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हमें इसी वक्त शीला आंटी के पास जाना है, उनकी तबीयत अचानक खराब होगी। चलो। नहीं मामा, मैं नहीं आ रही। क्यों? मामा हॉस्पिटल बनाने वाले सारे इंडियंस मॉरिशस आए हुए हैं। तो उनमें से कुछ लोग शायद मेरे पापा को भी जानते हो, जिन्हें बचाते हुए मेरे पापा ने अपनी जान दे दी थी। ये भी एक वजह है जो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों मामा? क्योंकि उन्हें देखकर मुझे तुम्हारे पापा की याद आएगी, उनकी कुर्बानी याद आएगी। इन्हीं इंडियंस को बचाते बचाते तुम्हारे पापा शहीद हो गए थे, अब तुम ही बताओ जिया क्या उनसे मिलकर मुझे खुशी होगी? तब तो जाना ही पड़ेगा मामा। हाँ, that's a good girl. चलो गाड़ी में बैठो। मैं नहीं मामा। तो? आप चाहिए ना, मुझे तो उन इंडियन से बहुत सारी बातें करनी है, अपने पापा के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने हैं। मरिया, सूटकेस वापस अंदर। यस मैडम। मामा तो क्या आप नहीं जाएंगी? जहाँ मेरी बेटी वहाँ उसकी मम्मा। थैंक यू मामा। चलो। ए रोहित कहाँ जा रहा है? बीवी को पटाकर ब्यूटी पार्लर भेजा है, आने में 2-3 घंटे लगेंगे, तब तक अपनी गर्लफ्रेंड को मिलके आता हूँ। ब्यूटी पार्लर। गुड आफ्टरनून ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर? यस सर। देखिए मुझे कल 4 बजे मिसेस सुनील मलिक के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। हेलो सर, 4 बजे? जी, मैनिक्योर पेडिक्योर फेस मसाज हेड मसाज बॉडी मसाज एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। मेरी वाइफ का भी 4 बजे का अपॉइंटमेंट ले ले। क्या तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड? मेरी बीवी का भी अपॉइंटमेंट ले ले 4 बजे। अरे तुम भी? हाँ, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। देखो मैडम, कल 4 बजे मिसेस सुनील मलिक, मिसेस मेघा कुमार, मिसेस मधु खन्ना का भी अपॉइंटमेंट चाहिए। सब कुछ। हाँ, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, सब कुछ। ओके सर, थैंक यू। या यार, ठीक 19 साल पहले यही मॉरिशियस में अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था, तब क्या चक्को लगती थी यार, एकदम ताजा कली, पता नहीं अब कैसी लगती होगी यार। अरे
गर्लफ्रेंड हमेशा बीवी से अच्छी ही लगती है। सेंट पर्सन राइट। रियली? यस। तो पाजी, लेट्स की मूविंग। वाओ, तुम अब भी ब्यूटीफुल हो, तुम अब भी लवेबल हो। ब्यूटीफुल हो, तुम अभी लवेबल हो, दुनिया की हसीनों में अभी हो तुम 1, 2, 10। हैप्पी डेज आर हियर अगेन, हैप्पी डेज आर हियर अगेन, हैप्पी डेज आर हियर अगेन, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। तुम अभी ब्यूटीफुल हो, तुम अभी लवेबल हो, दुनिया की हसीनों में अभी हो तुम 1, 2, 10। दिल मेरा उंगलियां चूम लूं, आ यहां जाने जा, होठों की लाली चुराने तो दे। देखती ही तुझे क्या नशा छा गया, क्या मुझे हो गया, मस्ती से जाने लगी है शर्म। तुम अभी लव सिंबल हो, oh yeah! तुम अभी लवेबल हो, दुनिया की हसीनों में अभी हो तुम 1, 2, 10। हैप्पी डेज आर हियर अगेन, हैप्पी डेज आर हियर। से भी गरम शबनमी ये बदन, जो तुझे टच किया शोला सा दिल में भड़कने लगा। तू बुझा ये जलन, कह रही गर्मियां, फासले किस लिए, सीने से आके लगा ले मुझे। तुम अभी स्वीट सिंपल हो, तुम अभी लवेबल हो, दुनिया की हसीनों में अभी हो तुम 1, 2, 10। हैप्पी डेज आर हियर अगेन, हैप्पी डेज आर हियर। गिर पड़े देख लो तुम जिधर, क्या नजर क्या कमर, बाहों में जानम तू आजा आजा। आपने जो कहा आपका शुक्रिया, आपके प्यार का ये तो असर है मेरी जाने जा। तुम अभी शोक गजल हो, तुम अभी लवेबल हो, दुनिया की हसीनों में अभी हो तुम 1, 2, 10। Happy days are here again, happy days are here again, happy days are here again।
अब जो भी होगा देखा जाएगा। गुड नाइट मरियम, मुझे नींद आ रही। गुड नाइट मैडम। आप कौन है? हेलो, कौन? हेलो आशा डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा अमर। ओह अमर डार्लिंग, मैं जानती थी तुम ही हो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हमारी बेटी जिया कैसी है? वो ऊपर अपने कमरे में सो रही है। मैं कल आ रहा हूँ 4 बजे। 4 बजे मगर आशा डार्लिंग, अब तुमको देखे मिला जी नहीं पाऊंगा। कल आ रहा हूँ 4 बजे एग्जैक्टली। ओके बाय बाय। अरे बंद कर दिया। कौन था ये अमर? अमर जुल्फों वाला। मम्मी कहाँ है? सपना आंटी के कमरे में गई है। अब कौन होगा? हेलो हेलो आशा। हेलो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा दीवाना कुमार। ओह कुमार, मैं कल 4 बजे तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। 4 बजे? चल मम्मी को फोन करते हैं। कौन बोल रहा है? अबे बेवकूफ, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। फोन रख, फोन का पट्टा नहीं रखूंगा, पहले तू रख। रखता क्यों नहीं इडियट? तू इडियट, मेरा बाप तो बाथरूम में है, तू कहाँ से बोल रहा है? अबे बेवकूफ, अपने बाप की आवाज नहीं पहचानता है? टेलीफोन रख। ये कोई कॉमेडियन है, जॉनी लीवर की तरह आवाज बदल के अपने पापा की आवाज निकालता है, इडियट। आजकल के बच्चे न जाने भगवान किस प्लेनेट से भेज रहे हैं। टेलीफोन रख बेवकूफ। ओह व्हाट अ डे। गुड नाइट मैडम। हेलो आशा डार्लिंग, सुनील है। ओह हेलो। हाँ डार्लिंग, मैं कल 4 बजे तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ, 2 अंडे का ऑमलेट, 1 पपाया, 1 ग्लास गरम दूध, थैंक यू। क्या हुआ मैडम? उसे कल 2 अंडे का ऑमलेट, 1 ग्लास गरम दूध और 1 पपाया चाहिए, कल 4 बजे। ये भी 4 बजे? हाँ। मरिया मैडम, मेरा क्या होगा? आपका क्या होगा? मरिया मेरा क्या होगा? मैडम आपका क्या होगा? मरिया मैडम, मरिया मैडम, मरिया गुड नाइट। गुड नाइट। ब्यूटी पार्लर होकर आओगी तो परी लगोगी। परी छोड़ो, अब परी बन के किसे रिझाना है मुझे? ऑफ कोर्स मुझे। जाने दो, तुम्हें तो रिझा रिझा के थक गई हूँ मैं, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, एक औलाद भी नहीं दे सके मुझे। हम माँ बाप नहीं बन सके तो दोष मेरा है? तो क्या मुझमें खामी है? तो क्या मुझमें खामी है? ऑफ कोर्स, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्ही में खामी है, तुम बाप नहीं बन सकते। अरे छोड़ो डॉक्टर की बातों को, एक दिन ऐसा सरप्राइज दूंगा कि चक्कर खा के गिर जाओगी। क्यों, 10-12 बच्चों की लाइन लगा दोगे मेरे सामने? 10-12 नहीं, सिर्फ 1। क्या मतलब? मतलब ये है कि मर्द साबित करने के लिए सिर्फ 1 ही काफी है ना, इसलिए कह रहा हूँ डाली, ब्यूटी पार्लर जाओ, सच धज के आओ, दिल में जज्बात जागेंगे, मोहब्बत रंग लाएगी और हो सकता है मॉरिशस में हम दोनों के बीच कुछ हो जाए और तुम माँ बन जाओ। रियली रियली, आई हैव टेकन एन अपॉइंटमेंट फॉर यू एट 4 o'clock ब्यूटी पार्लर में। ओके बाबा, आई गो टू द ब्यूटी पार्लर। हैप्पी हैप्पी 4 o'clock। ओह ये ब्यूटी पार्लर क्या लगा रखा है? मेरी ब्यूटी में ऐसे कौन से 4 चांद लग जाएंगे ब्यूटी पार्लर जाकर? 2-2 बच्चों की माँ हूँ मैं। यही तो मुश्किल है, औरतें माँ बन जाती है तो अपनी ब्यूटी को भूल जाती है, वो पत्नी कम और माँ ज्यादा बन जाती है। मुझे इंडिया में तो कभी ब्यूटी पार्लर जाने को नहीं कहा तुमने, यहाँ क्या खास बात है? डार्लिंग यहाँ का मौसम ज्यादा ही रोमांटिक है ना। क्या मतलब? मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम खूब सज संवर कर आओ ताकि मॉरिशस में आज फिर हनीमून मना सके। मैंने तुम्हारे लिए 4 बजे का अपॉइंटमेंट ले लिया है, चलो 4 बजने वाले, चलो जल्दी करो जल्दी करो। ओके ओके जाती हूँ बाबा। सपना, मॉरिशस की हवा में सांस लेते हुए ऐसे लग रहा जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। सरकार, यहाँ की हवाओं में आप कुछ ज्यादा ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। अरे हाँ डार्लिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम भी बदल जाओ। वो कैसे? 16 बरस की स्वीट 16 बन जाओ, नया मेकअप, नई हेयर स्टाइल, नया ड्रेस, सर से पांव तक सब कुछ नया ही नया। पागल हो गए हो क्या? अरे हो जाऊंगा स्वीट हार्ट जब तुम ब्यूटी पार्लर से होकर आओगी। ब्यूटी पार्लर से? हाँ ब्यूटी पार्लर, मैंने तो आज शाम 4 बजे तुम्हारे लिए टाइम भी फिक्स कर दिया है, जाने मन आज शाम की पार्टी में तुम ही सबसे खूबसूरत लगो। ओह माय डार्लिंग। 4 बजने वाले हैं, अगर वो तीनों एक साथ आ गए तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? मेरा क्या होगा? और यही तो मैं पूछ रही हूँ, मेरा क्या होगा? मामा
मैंने ब्यूटी पार्लर में 4 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है आपके लिए। मेरे लिए 4 बजे? मरिया मामा, आज हॉस्पिटल का डिनर फंक्शन है, आप भी तो इंडियन वाइफ हैं। हाँ, वो तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मामा उन सारे इंडियंस के बीच सबसे खूबसूरत लगे। चलिए तुम चलो, मैं भी आई, गाड़ी में बैठो, चलो। मरिया जान बची, मरिया उन तीनों में से कोई भी आए तो तुम संभालोगी ना? संभालोगी ना? मरिया मैं तुम्हारे बिना क्या करती, यू टू मच टकीला, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। कंफर्टेबल मैडम? ओके। अरे देखना तो, वो लड़की कितनी खूबसूरत है। देखा, मॉरिशस की लड़कियां होती ही बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन ये तो पूरी इंडियन लग रही है। बिल्कुल ठीक, मैं मॉरिशन सिटीजन तो हूँ लेकिन हाफ मॉरिशन और हाफ इंडियन हूँ। अच्छा, वो कैसे? मेरी मदर मॉरिशन है और पापा इंडियन। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जिया ब्रिटानिया। ब्रिटानिया? मगर ये तो बिस्किट का नाम है। नहीं, ये मेरे पापा का नाम है। इंडिया में बहुत बड़ी फैमिली है उनकी, ब्रिटानिया फैमिली। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? मेरे पापा एक बहुत अच्छे तैराक थे, अ ग्रेट स्विमर थे। मतलब जी, उनकी डेथ हो गई। ओह, सो सैड। मगर कैसे? मामा बताती हैं कि एक बार यहाँ के समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और एक कश्ती जिसमें बहुत सारे लोग थे वो डूब गई। मेरे पापा ने उन सारे लोगों को डूबने से बचा लिया, लेकिन खुद को ना बचा सके। ओह माय गॉड। लेकिन तुम्हारे पापा बहुत ही बहादुर और नेक इंसान थे, तुम्हें उन पे नाज होना चाहिए। जी हाँ, मुझे अपने पापा पर भी नाज है और मामा पर भी। जब पापा की डेथ हुई तो मैं मामा के पेट में थी। मेरी परवरिश में मेरी मामा ने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, दूसरी शादी भी नहीं की। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी लाइफ दी। उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पापा नहीं हैं। मेरे लिए ही नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी उनके दिल में उतना ही प्यार है। उन्होंने हमेशा से समाज सेवा की है, दूसरे लोगों के दुख को अपना दुख समझा है। जब कोई बीमार होता है तो उन्हें लगता है जैसे उनका कोई अपना बीमार है, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती हैं। कभी अनाथ आश्रम में जाके सेवा करती हैं तो कभी धार्मिक कामों में अपना वक्त बिताती हैं, और कभी विधवाओं की संस्था में जाकर किस तरह उन औरतों के मन का बोझ हल्का करती हैं। एंड माइंड इट, लोगों की सेवा करना और अपनी बेटी से प्यार करना, यही उनका धर्म है। माय मदर इज अ ग्रेट मदर। शी इज रियली अ ग्रेट मदर। जिया, क्या तुम हमें अपनी मामा से मिलवा सकती हो? ऑफ कोर्स, शी इज माय ग्रेट मदर। ये मदर है? हेलो मिसेस ब्रिटानिया। हेलो, मैं मिसेस कुमार हूँ। मेरे पति बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने यहाँ मॉरिशस में एक हॉस्पिटल बनवाया था, उसी के फंक्शन के लिए हम सभी यहाँ आए हैं। आई एम मिसेस मधु अमर खन्ना। हेलो। एंड आई एम मिसेस सपना सुनील मलिक। हाय मिसेस ब्रिटानिया, आपकी बेटी ने हमें आपके बारे में जो कुछ भी बताया है, हमारे ख्याल से इस साल का ग्रेट मदर अवार्ड मिसेस चौधरी की बजाय आप ही को मिलना चाहिए। जी मुझे? एक्सक्यूज मी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं आप तीनों को ही लेने आ रहा था। हम तीनों को? यस। क्यों क्यों क्यों? आज 4 बजे की कमेटी मीटिंग के लिए सर। 4 बजे? ओह नो, इम्पॉसिबल। क्यों सर, क्या हुआ? अरे मेरी 4 बजे की मीटिंग तो 19 साल पहले तय हो चुकी थी, और मेरी 4 बजे वाली मीटिंग बहुत इमोशनल मीटिंग है, वेरी इमोशनल मीटिंग। और मेरी वाइफ को दोबारा ब्यूटी पार्लर भेजना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर, आपने 4 बजे की कमेटी मीटिंग के लिए आज से 4 महीने पहले ही कंफर्म कर दिया था,
ये रहे आपके कंफर्मेशन लेटर्स। ओह माय गॉड। चलो इनकी मीटिंग में चलते हैं। पाजी लेट्स कीप मूविंग। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का दिन एक बहुत महान दिन है, ए ग्रेट डे, क्योंकि आज वो तमाम हिंदुस्तानी हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने मॉरिशस आकर हम मॉरिशस के लिए एक शानदार हॉस्पिटल बनाया था। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम इंजीनियर्स का, आर्किटेक्ट्स का और कॉन्ट्रैक्टर्स का जिन्होंने अपनों से दूर रहकर, अपने घर से दूर रहकर। सुनिए, वो आशा ब्रिटानिया है, जानते हो? ऑफ कोर्स। तुम कैसे जानते हो? तुमने जान लिया, समझो मैंने भी जान लिया। वो हजारों पेशेंट्स जो इस हॉस्पिटल से ठीक होकर लौटे, उन सब की दुआएं भी हमेशा उन हिंदुस्तानियों और मजदूर भाइयों के साथ रहेंगी जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया। मैं उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और सारे स्टाफ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस हॉस्पिटल में सच्ची भावनाओं से मरीजों की सेवा करते हैं। उन तमाम लोगों में से मैं कुछ खास नाम लेना चाहता हूँ। मिस्टर अमर खन्ना, मिस्टर सुनील मलिक, यहाँ कौन कहता है कि मैं पाप नहीं बन सकता? कल पर तो इसी में है। तुमने कुछ कहा? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो, ब्यूटी पार्लर गई थी ना? कितनी खूबसूरत लग रही है। कौन बहुत खूबसूरत लग रही है? तुम आज ब्यूटी पार्लर गई थी ना, इसलिए। तुम अब भी ब्यूटीफुल हो। किसे ब्यूटीफुल कह रहे हो? अरे तुम्हें, तुम ब्यूटी पार्लर गई थी ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके एंटरटेनमेंट के लिए पेश करते हैं हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर अल्ताफ राजा और उनका ग्रुप। जिसे दुनिया सौतन कहती है वो दो नंबर का रिश्ता है। इसे काले धन की तरह सबकी नजरों से छिपाया जाता है। बीवी न पकड़ ले ये रिश्ता, बीवी न पकड़ का
तो ये बुझता हुआ चिराग मिसेस ब्रिटानिया का बेटी है। अरे सेठ जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम मिसेस ब्रिटानिया का ऐसा जन्म कुंडली निकालूंगा कि सात जन्म तक इसकी बेटी राह से ब्याह नहीं कर पाएगी, समझे? और अब तो जानते हैं कि सुंदर दास ऑलवेज ठीक कहता है और नॉनवेज कभी नहीं खाता है। मगर मामा, मैंने कुछ इंडियन से पापा के बारे में पूछा, मगर वो लोग कहते हैं कि वो किसी मिस्टर ब्रिटानिया को नहीं जानते। देखा कितनी जल्दी भूल जाते हैं ये दुनिया वाले। जिया बेटी, भूल जाना ही दुनिया की आदत है। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, हम कल सवेरे ही शीलांटी के पास चले जाएंगे, उनकी तबीयत अभी तक खराब है ना। नहीं मामा, अभी बहुत सारे इंडियंस हैं, शायद उनमें से कोई मेरे पापा को जानता हो। ओफो जिया, तुम फिर अपने पापा के बारे में उनसे पूछोगी, तुम्हें फिर वही जवाब मिलेगा। हैं? तुम्हें भी दुख होगा और मुझे भी दुख होगा। ये सब तुम्हारे पापा की कुर्बानी को भूल चुके हैं जिया। बेहतरी इसी में है कि हम शीला आंटी को न भूले। कम ऑन, लेट्स गो। मिसेस ब्रिटानिया, अमर खन्ना यार, मिस्टर ब्रिटानिया का फ्रेंड, 19 साल पहले मिले थे। ओह, हाउ कुड आई फॉरगेट। वेरी नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये मिस्टर ब्रिटानिया की, हाँ, ये मेरी बेटी जिया है। जिया, मिस्टर खन्ना। जिया, सो ब्यूटिफुल, सो चार्मिंग। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो, कितनी खूबसूरत हो तुम, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती में तुम्हारे पापा की सूरत शामिल है। थैंक यू जिया,
क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? मामा चलिए। थैंक यू, कम। मैडम कुछ गड़बड़ हो गया तो? गड़बड़ तो 19 साल पहले हो चुकी थी, अब तो जो होगा देखा जाएगा। मिस्टर खन्ना मिस्टर खन्ना, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। ओह रियली, यू लाइक इट? गुड, ये नंबर वन है ना? जुल्फों वाला। मेरे पापा दिखने में कैसे थे? क्या वो हैंडसम थे? अब फिल्मी हीरो तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। मतलब हैंडसम थे? ऑफ कोर्स, तभी तो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। और बातें करने में कैसे थे? बिल्कुल तुम्हारी तरह। मतलब आप मेरे पापा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे? और ये भी जानता हूँ, अगर वो इस वक्त यहाँ होते तो क्या करते? अपनी बेटी को अपने गले लगा लेते और कभी अपने से दूर नहीं करते। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है मालूम, जब भी कोई किसी के नज़दीक रहना चाहता है तकदीर और हालात उन्हें दूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ग्रेट थे। थैंक्स। एक मौका इस हिंदुस्तानी को भी दीजिए सरकार। Why not? थैंक यू। थैंक यू। ये नंबर दो। मिसेस ब्रिटानिया, बेटी हो तो जिया जैसी हो, बिल्कुल बाप पे, मैं मेरा मतलब है आप पे गई। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कल सुबह 10 बजे मिलने आ रहा हूँ। ओह नो। ये क्या? क्या आप मेरे पापा मिस्टर ब्रिटानिया को जानते हैं? Of course. प्लीज मुझे उनके बारे में कुछ बताइए ना। पहले तुम बताओ कि तुम उनके बारे में क्या क्या जानती हो। ज्यादा कुछ तो नहीं, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि वो एक बहुत हैंडसम आदमी थे। हैंडसम? तुम्हारे डैडी की जितनी भी तारीफ करूँ वो कम होगी, वो बहुत ही ग्रेट आदमी थे। सुना है कि वो बहुत ही जोशीले और बहुत बहादुर इंसान थे। ऑफ कोर्स जिया, तुम्हारे साथ आज डांस करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी बेटी के साथ डांस कर रहा हूँ। क्या आपको अपने बच्चों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है? इतना मजा तो पहले कभी नहीं आया जितना आज आ रहा है, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं और तुम बेटी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं कल सुबह 10 बजे तुमसे मिलने आ रहा हूँ। 10 बजे कल सुबह? कल तो रात को ही आ जाऊँ। No. Oh yes, सुबह 10 बजे ठीक है? हाँ ठीक है। Okay, bye. Bye. अब क्या होगा? ये भी 10 बजे? कुमार साहब, क्या आप भी डांस करते रहेंगे या हम भी? शौक से। Thank you. Hello. I am Sunil Malik. I am Jia. क्या आप भी मेरे पापा को जानते हैं? Of course. Oh, Mrs. Britannia, your daughter is very beautiful. What a wonderful child. Oh, that's so sweet. Thank you so much. कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें घर पे मिलने आ रहा हूँ। Oh no. Oh yes. मेरी मम्मी कहती है कि मेरे पापा और उनकी जोड़ी बहुत ब्यूटीफुल थी। Naturally. तभी तो उनकी बेटी इतनी खूबसूरत है। Thank you. ये नंबर तीन। बहुत हैंडसम है। वो तो है। आप तीनों के साथ डांस करके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा आप लोगों से कोई बहुत पुराना रिश्ता है। जी हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अनजाने में बनते हैं और चुपके से निभाए जाते हैं। चलो। मामा, क्या हुआ? तीन इंडियंस पापा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे उनसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने मिस्टर सुनील मलिक से कहा कि मुझे आप तीनों से मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरा आपसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। अच्छा, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ रिश्ते अनजाने में बनते हैं और चुपके से निभाए जाते हैं। So sweet. तो चले, come on, let's go. Come.
एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसेस ब्रिटानिया। यस मिसेस कुमार, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहती हैं। पापा, मम्मी क्या गाना गाएगी? अरे तेरी माँ गा भी सकती है और नचा भी सकती है। आपको कितनी बार नचाया है? खामोश। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल मेयर ऑफ कोत्रबॉन ने हमें ग्रेट मदर अवार्ड कमेटी का मेंबर चुना। आज ब्यूटी पार्लर में हमारी मुलाकात एक ऐसी ग्रेट औरत से हुई जिसके हस्बैंड ने तूफानी समुंदर में औरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। उस वक्त ये मां बनने वाली थी। किस तरह इस औरत ने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसे पाला, किस तरह वो हालात से लड़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने आज तक किसी भी गैर मर्द की परछाई भी अपने पे पड़ने नहीं दी। आज जब कोत्रबॉन के लोगों से इनकी शराफत के किस्से सुनाई देते हैं, तब एक औरत होने के नाते मुझे इन पर नाज होता है। और इस ग्रेट ग्रेट लेडी का नाम है मिसेस आशा ब्रिटानिया। गिव हर अ बिग हैंड। हर साल ये ग्रेट मदर का अवार्ड मिसेस चौधरी को मिलता रहा है, लेकिन इस बार मैं मिसेस चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुद अपने हाथों से ये अवार्ड मिसेस आशा ब्रिटानिया को दे। मिसेस ब्रिटानिया, अगर ये अवार्ड आपको दिया जाए तो क्या आप इसे मंजूर करेंगी? मामा, से यस, टेक इट। जी हाँ, मुझे मंजूर है। यस। जिया, जिया जल्दी कर। ओफो, ये आते क्यों नहीं? मिसेस ब्रिटानिया, मिसेस ब्रिटानिया, अगर आपको उन तीनों हिंदुस्तानियों के आने से इतनी टेंशन है, टेंशन है, तो मेरे पास एक आइडिया। आइडिया क्या? मैं उन तीनों को अपनी गाड़ी से उड़ा देता हूँ, बजाय यहाँ आने के सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे ना। जॉनी भाई, यहाँ मेरी जान पे बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं है? जिया को आवाज दीजिए। एक आइडिया, आइडिया था जिया। आए मामा। ओ गॉड। या टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बेबी, ये लो शॉपिंग लिस्ट। मामा। जी बेटा। इतनी छोटी लिस्ट? ये लो पैसे, जल्दी से जाना और आराम से शॉपिंग करके आना। ओके ओके ओके। जॉनी भाई इधर आइए, जरा ध्यान से सुनिए। जब वो पहला आएगा ना तो आप एक बार हॉर्न बजाना, हाँ? जब वो दूसरा आएगा ना तो दो बार हॉर्न बजाना, और जब तीसरा आएगा ना तो तीन बार हॉर्न बजाऊंगा। कमेटी मीटिंग में इतना हीरो बन के जाना जरूरी है क्या? शायद कोई हीरोइन मिल जाए। क्या कहा? मैं कमेटी मीटिंग, कमेटी मीटिंग, कमेटी मीटिंग, कमेटी। अरे सुनिए जी, सुबह सुबह इतने बन सवर के कहाँ जा रहे हैं आप? कमेटी मीटिंग, इम्पोर्टेंट कमेटी मीटिंग। इतने सवेरे सवेरे 16 साल के बन के कहाँ जा रहे हैं आप? कमेटी मीटिंग, कमेटी मीटिंग। Thank you.
much I missed you, you don't know. ये घर है या महल? मेरे 10,000 रुपए महीने में इतना सब कुछ ये तुमने कैसे कर लिया? इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस से? वो टैक्सी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लगी ना। यार। ओ डार्लिंग, तुमने मुझे इतना गैर समझा के लेटर से या फोन पे मुझे कभी कुछ बताया नहीं। ओह अमर डार्लिंग, मैं तुम पर खर्च का और बोझ नहीं डालना चाहती थी। पहले तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना। ओह डार्लिंग, सो स्वीट, सो स्वीट। कम कम, सिट हियर। डार्लिंग, मैंने तुम्हारे जो भी किया वो कुछ भी नहीं किया। ओह बेबी, मेरी सारी दौलत एक तरफ, तुम्हारा प्यार और मेरी बेटी एक तरफ। You know, darling, मेरी पत्नी से मेरी कोई औलाद नहीं है। और वो समझती है मुझ में कमी है। तुम ही बताओ, कमी उसमें या मुझ में? Oh no, you are my macho he-man. Yes. पर एक बात बताओ darling, वो तुम्हारे खूबसूरत बाल कहाँ चले गए? बालों की बात छोड़ो darling, तुम्हारे खूबसूरत गालों की बात करते हैं। अमर, इस वक्त जो मैं चाहती हूँ क्या तुम वो कर सकते हो? कह कर तो देखो। अमर, तुम कहो ना। तुम कहो ना। तुम कहो ना। फौरन यहाँ से चले जाओ। हाँ? क्यों? मुझे पता नहीं था कि दर्द इतना बढ़ जाएगा। कौन सा दर्द? एक्सीडेंट का दर्द? नहीं, वो दर्द जो तुमसे मिलकर दोबारा शुरू हुआ है। क्या बताओ, क्या बताओ, इस वक्त मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मरिया, तुम ही उनको बताओ ना कि इनकी जुदाई में मेरे दिल का क्या हाल होता था। बहुत बुरा हाल होता था साहब। ये भी सब कुछ जानती है? एक औरत दूसरी औरत से अपने दिल का दर्द कब तक छुपाए रख सकती है? अमर, इससे पहले कि ये दर्द आंसू बनकर मेरी आंखों से छलक जाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कुछ भी कहना, बस रुकने की बात मत करना। नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें टिकट भेजता हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए जिया को लेके हिंदुस्तान आ जाओ। हाँ, ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है। है ना? हाँ। तो फौरन मुंबई आ जाओ। अच्छा। तुम, मैं और जिया सारे हिंदुस्तान की सैर करेंगे। और तुम जिया को बता देना कि मैं उसके डैडी का दोस्त हूँ। अच्छा, मैं जिया से बात कर लूंगी। इसी अदा पे तो मरता हूँ डार्लिंग। आई लव यू, लव यू। ओके अमर डार्लिंग, अब तुम जाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक रुक। वो क्या हुआ? क्या हुआ? इंश्योरेंस वाला आ गया। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें यहाँ देख ले। तुम रुक जाओ। नहीं नहीं, तुम जाओ। नहीं, नहीं, मैं जाती हूँ। एक मिनट, तुम जाना नहीं। अंदर बहुत टेंशन है। क्यों, कौन है अंदर? वो इंश्योरेंस वाले हैं, वो जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना उसके बारे में पूछने आए हैं। एक्सीडेंट? हाँ, वो ट्रेन ने मुझे उड़ा दिया था ना। ओह नो। यस, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुने ना डाली, तुम 5-6 मिनट के लिए जरा घूम के आ जाना ना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज स्वीटहार्ट, यू अंडरस्टैंड नो? प्लीज। गुड आइडिया, गुड आइडिया। इंश्योरेंस वाले गए? गए नहीं, गया। एक ही था? हाँ, एक ही था। एक आया है, एक आने वाला है। दो हैं? हाँ, दो हैं। चलो ना डार्लिंग। डार्लिंग, काश काश मैं पल दो पल तुम्हारे साथ और गुजार सकता। अरे क्यों मेरी जुदाई के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? नो 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 नो। ओके, बाय। जाओ जाओ ना। अरे मैं तो तुम्हें 12,000 रुपए महीना भेजता था, इतना शानदार मकान कैसे खरीद लिया डार्लिंग? इंश्योरेंस से।
इंश्योरेंस? हाँ, ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना। अरे कहाँ चोट लगी? अंदरूनी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र की बात नहीं। ये कौन है? माय मेड मरिया। क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देर? ऑफ कोर्स मरिया, ये फूल मेरे बेडरूम में रख देना। यस थैंक यू, ऑल योर्स। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, जरूर बोलो ना। मामा मिया, आशा तुम अब भी कयामत लगती हो। ओ सुनील, तुम कुछ जरूरी बात करने वाले थे ना? ऐसा है कि कल रात जब तुम्हें देखा ना, तो देखता ही रह गया। फैसला कर लिया कि तुम और जिया इंडिया आ जाओ। जिया को अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा देंगे, तुम्हारे लिए मकान और गाड़ी ले दूंगा। हफ्ते में 2-3 बार मिलने आया करूंगा, और कभी कभी तो सैटरडे नाइट को भी। अच्छा, कैसे लगा मेरा प्लान? क्या हुआ? क्या हुआ आशा? 19 साल तक अपने जज्बातों को सीने में दबा कर रखा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ? थक गया। नहीं, नाखून के निशान पड़ जाएंगे, बीवी को समझाना मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत लड़ाकू है। आई डोंट केयर। अच्छा, तुम दीवानी हो गई हो, छोड़ो मुझे। मैं दीवानी हो गई हूँ, 19 साल की दूरी करनी मुझको पूरी, नहीं छोड़ूंगी। Here comes the lovebird। अच्छा, कंट्रोल कंट्रोल आशा। कंट्रोल नहीं हो सकता है, मुझे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। क्या? तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। ओके, अरे वहाँ से नहीं, वहाँ इंश्योरेंस वाला है, पिछले दरवाजे से, बैक डोर। जल्दी जल्दी। क्या हुआ? कमाल है, वही इंश्योरेंस वाला पिछले दरवाजे से आ गया। okay. वहां से चलते हैं। एक मिनट। क्या हुआ? पप्पी, सी, आई टोल्ड यू, आई वांट यू। अरे ये तो पोछ लो, नहीं तो बीवी मारेगी ना। ओके, बाय। ओह गॉड। हेलो मिसेस ब्रिटानिया। ओह मिसेस कुमार। ओह क्या खूबसूरत घर है आपका। थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वेल मिसेस ब्रिटानिया, हम इंडियन वाइव्स ने एक मीटिंग रखी है। अच्छा। और हम सब चाहती है कि ग्रेट मदर का मानपत्र आपको ही मिले। मुझे? हाँ, वैसे कुछ औरतें हैं जिनकी राय मिसेस चौधरी के हक में। हाँ, है तो मिसेस चौधरी को दे दीजिए ना, मुझे कोई इतराज नहीं। आई डोंट माइंड एट ऑल। कैसी बातें कर रही है आप? क्या मैं नहीं जानती कि आपने कितनी मुसीबतें झेली हैं? ये तो आपका हक है मिसेस ब्रिटानिया। एंड यू जस्ट डोंट वरी, हम सभी की राय आपके हक में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मैं आपको इस मीटिंग में इनवाइट करने के लिए आई थी। अच्छा। आप आना जरूर। हाँ जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। आप मुझे इतनी बड़ी इज्जत दे रही है, मुझे मान पत्र दे रही है, मैं क्यों नहीं आऊंगी। ओके अच्छा, बाकी बातें हम लोग मीटिंग में कर लेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आराम की जरूरत है। अच्छा, ओके, फिर मैं चलूं? आ जाइए ना, प्लीज आ। मत जाइए, एक मिनट आ, जाइए ना। कमाल है। मिसेस कुमार, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अच्छा हुआ हम लोग बच गए, बाल-बाल बच गए। लेकिन हुआ क्या? वो क्या है कि हमारे मॉरिशस में एक रिवाज है, जो मेहमान बिन बुलाए आए उसे हम पिछले दरवाजे से विदा करते हैं। अच्छा जी, मगर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बिना बुलाए मेहमान जिस दरवाजे से आए, अगर हम वापस उसे उसी दरवाजे से विदा करें तो बहुत बैड लक होता है, अपशकुन होता है। मुझे मालूम है आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप वापस इसी दरवाजे से गए ना तो बहुत, यानी कि बहुत ही बुरा हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। नहीं, तो फिर मैं पीछे के दरवाजे से चली जाऊँ। प्लीज आइए। यहाँ से बाय। ओके बाय। पहले तो मुझे अंदर ही नहीं लिया,
और अब अंदर ऐसे घसीट रही है जैसे कि मैं बाहर खड़ा रहा तो कुछ चोरी कर लेगा। ओ कुमार डार्लिंग, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इंश्योरेंस वाले ने मुझे कितना परेशान कर रखा था। कल रात जब मैंने तुम्हें देखा तुम बिल्कुल चौधरी का चांद लग रही थी। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान? बैठो बैठो, पहले इन कागजात पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? मैंने अपनी एक कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर तुम्हें और जिया को तकलीफ नहीं होगी। Oh, that's so sweet of you, darling. Thank you, darling. Thank you. मेरी बीवी बेगा किसी सोशल वर्क में लगी होगी। अच्छा। बच्चे उछल कूद रहे होंगे और मैं, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम। बोलो डार्लिंग, क्या इरादा है? बड़ा नेक इरादा है। तुम्हें फौरन अपनी वाइफ को तलाक देना होगा। What? और फौरन मुझसे शादी करनी होगी। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही डेंजरस डेंजरस इरादा है। ऐसा ख्वाब कभी मत देखना। क्यों मैं देखूं? देखो ना डार्लिंग, ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर ना मेरा ये ख्वाब तुम्हारी वाइफ को बता देते हैं। प्लीज ऐसा ना करना। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं मेघा जी को बता देती हूँ। ऐसा ना करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी बीवी मेरी चिंता चिंता कर देगी। लेकिन कुमार डार्लिंग, अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे भी तो नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, मेरी बेटी के बाप चाहिए। हाँ बोलो ना डार्लिंग, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा क्या, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिलने हर महीने मॉरीशस आऊंगा। 19 साल के बाद अब आए हो जालिम, और अब तुम महीने की बात कर रहे हो? नहीं, अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तलाक दो, शादी करो, तलाक दो, शादी करो। अरे तुम आज पागल हो गई हो। पूरी पागल हो जाऊंगी अगर एक पल के लिए भी तुम यहाँ और रुके तो। मैं जाऊँ? जाओ 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 ना, प्लीज जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ओके बाय। कमाल हो गया यार, मैंने तो बहुत चमक रहा है। गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहा है क्या? तू भी तो गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहा है, तेरा गाल बता रहा है। क्या मतलब? लाल लाल लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं। अरे बाप रे, और क्या क्या हुआ ये तो बता। अरे क्या बताऊं यार, 19 साल की जुदाई की तड़प मेरी गर्लफ्रेंड के रोम रोम से छलक रही थी। बिजली की तरह टूट पड़ी मुझ पर, बुरा हाल कर दिया। वो अपने नाखूनों से मेरे घालों पर प्रेम गीत लिखना चाहती थी। क्या बात कर रहा है? अरे जानते हो, अगर वो ऐसा कर देती ना तो मेरी बीवी को इस गीत का मतलब 19 साल तक नहीं समझा पाता। करेले की तरह छील डालती मेरे को। गचा गच, गचा गच। बाप रे बाप, बच गए यार, बच गए, सचमुच बाल बाल बच गए। क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड को कोई और बॉयफ्रेंड मिल गया क्या? नहीं नहीं यार, प्यार तो वो सिर्फ मुझसे करती है, मेरे लिए जीती है और मेरे लिए ही मरती है। आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जो उसने मांगा है मैं उसे नहीं दे सकता। ऐसा क्या मांग लिया यार? उसने कहा हर औरत का एक सपना होता है कि उसका एक पति हो, उसके बच्चों का बाप हो। कहने लगी मेघा जी को तलाक दो और मुझसे शादी करो, तलाक दो और शादी करो, तलाक दो और शादी करो। तो दे देना तलाक। नहीं नहीं यार, तू भी उसी की तरह बातें कर रहा है, जानता नहीं? I'm happily married. Happily married. Beer, 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 beer. Cheers. To my happy marriage. राज, तुमने आज शर्म के मारे हमारा सर नीचा कर दिया। सॉरी मामा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? राज, तुम्हें जिया की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकना पड़ेगा। मगर क्यों? वो हमारे क्लास की नहीं है। ओ मामी, जिया और मेरे बीच एक क्लास कहाँ से आ गया? जिया का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो हमारी बहू का होना चाहिए। हमारे क्लास के सामने उसकी कोई क्लास नहीं है। She has no class. Oh my God, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोने के जेवर में हीरा जड़ा जाता है, रास्ते का पत्थर नहीं। मामा आप शायद ठीक कह रही हैं। क्यों नानी? बेटे, अपने बच्चों के लिए बड़े बुजुर्ग जो भी फैसला करते हैं वो कभी गलत नहीं होता। मतलब जिया से रिश्ता कट? सिर्फ इतना ही नहीं, उसे तुम इस घर में बुलाओ और हम सब के सामने उसकी बेइज्जती करो ताकि वो हमारी बहू बनने के ख्वाब देखना छोड़ दे। यू आर राइट मामा, हम तीनों के बीच उसकी बेइज्जती करने में मजा नहीं आएगा। 10-20 दोस्तों को बुलाओ, निशा को भी बुलाओ, फिर मैं सबके सामने उसको समझा दूंगा उसका क्लास क्या है। राज बाबा, आफ्टर ऑल आपका क्लास के सामने जिया का तो कोई क्लास ही नहीं है ना। हाँ जी, वो आएगी भी तो बस में लटक के आएगी या फिर पैदल। आई डोंट अंडरस्टैंड राज बाबा,
क्या आप हवाई जहाज में उड़ने वाले एक पैदल सवारी से कैसे रास्ता जोड़ सकते हैं? राज बाबा, जिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अरे वो आए ना आए, सेठ धनराज अपनी बेटी के साथ आ चुके हैं, वो देखिए। रजबा जरा देखे तो इसकी तो मुस्कुराहट भी ऊंचे क्लास की है। अरे हम तो कहता हूँ कि जिया को छोड़िए और इसके बारे में सोचिए। इसी की तो सोच रहा हूँ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, हमको मालूम था। तो राज, समझो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। मामा, जब तक जिया का दिल नहीं तोड़ूंगा तो हम दोनों का रिश्ता कैसे जुड़ेगा? पहले जिया को आने दो, पुराना रिश्ता तोड़ूंगा, फिर नया रिश्ता जोड़ूंगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आप राज बाबा बोले हैं हाई क्लास सुर में, बिल्कुल हमारे सुर में जा रहे हैं। अरे डोंट वरी, जिया को आने दीजिए, हैं? आने दीजिए उसको। हाय राज। सॉरी राज, जरा देर हो गई। जिस क्लास की आप हैं, उन्हें देर हो ही जाती है। राज, तो क्या तुमने मुझे यहाँ मेरा क्लास समझाने के लिए बुलाया है? नो, तुम्हारा क्लास तो लो है ही, इनका क्लास कितना ऊँचा है यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। यस जिया, मामला आ गया है क्लास का और तुम मार खा गई हो क्लास से। हम हैं ऊंची क्लास के लोग और तुम्हारा हमारी क्लास के मुकाबले में कोई क्लास नहीं। ओके राज, तुम्हें तुम्हारा क्लास मुबारक हो। आई एम गोइंग, बाय। लेकिन सुनो, आज के बाद कभी मेरे पीछे मत आना। कभी नहीं आऊंगी। इस घर की तरफ कभी नहीं देखना। कभी नहीं देखूंगी। एक्सक्यूज मी। यस। जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो लकी गर्ल कौन है? ओ, जानना चाहती हो? यस। सुंदरदास जी, बता दूं? अरे बतलाइए ना, इतना पूछते कहे हैं। हाँ, सुरदास ठीक कहता है। सुरदास? नहीं नहीं, सुंदरदास ठीक कहता है। हाँ, सुंदरदास अल्भेज ठीक कहता है और नॉनवेज नहीं खाता है। ठीक बोला। क्यों नानी, बता दूं? मामा, बता दूं? हाँ, बतला दो। सुंदरदास जी, जो मेरे लिए सब कुछ है, उसका नाम है जिया। ये क्या हो रहा है? होने दीजिए। मेरी बेटी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? ऐसे ही होगा। हाँ? बाद में। La 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 la
रोज फ्लावर के जैसे तेरे मुलायम गाल। थैंक यू। ओ या या रोज फ्लावर के जैसे तेरे मुलायम गाल। जुम लू तेरे गालों को क्या है तेरा ख्याल। जो मिला है चांस कर ले रोमांस कुछ सोचना अनाड़ी। जिया I want to love you I want to kiss you जिया। ओ sweetheart ओ sweetheart so sweet Oh sweetheart, oh sweetheart, so sweet. बादल के आंचल से देख रहा है मून, हे 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 हे। बादल के आंचल से देख रहा है मून। मून पे चल के चल मनाए हम अपना हनीमून। मैं भी जवान तू भी जवान चल चांद पे चले हम। जिया I want to love you I want to kiss you जिया। कैसा ये लड़का है बातें ही करता है। लायर है झूठे ही मरता है। To love you, I want to kiss you, Jia. I want to love you, I want to kiss you, Jia. सर जी, लीजिए ना, पीजिए। अरे लीजिए ना, क्या सोचते हैं? अरे अरे सर जी, काहे को टेंशन लेते हैं? ऐसी एक पप्पी लेने से कोई किसी का थोड़ी हो जाता है। अरे मुझे तो मेरी बेटी का फ्यूचर बहुत ही खराब नजर आ रहा है। डैडी, मॉरिशस में एक ताजमहल बनवा दो और मुझे उसमें दफना दो और उसका नाम रख दो राजमहल। अरे वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, क्या फैंटास्टिक आइडिया दिया निशा बेबी ने। लोग इंडिया में शाहजहां की मोहब्बत देखने के लिए ताजमहल जाते हैं, अब मॉरिशस में निशा और राज की मोहब्बत देखने राजमहल जाएंगे। क्या बोलते रामजादे, मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरी बेटी राज के इश्क में दफन होना चाहती है और तू हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है। निकाल मेरी सोने की घड़ी निकाल। अरे वही बेच के तो सूट खरीदा हूँ। सूट निकाल। अरे सूट निकालूंगा तो घर कैसे जाऊंगा? सूट के नीचे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्या, क्या मतलब? अरे हम सच कहता हूँ, अब तो जानते ही हैं सुंदरदास ऑलवेज ठीक बोलता है और नॉनवेज नहीं खाता है। मेरी बेटी की शादी के लिए मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अरे सर जी एक आइडिया आया। क्या आइडिया है? बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। आप किसी ब्रिटानिया को जानते हैं? नहीं तो? हम भी नहीं जानते हूँ। क्या मतलब? अरे कोई भी नहीं जानते हैं। ये मिसेस ब्रिटानिया कैसे हो गई? इनका इनका शादी कहाँ हुआ? क्या वो ब्रिटानिया तैराक था जानते? नहीं तो? हम भी नहीं जानता हूँ। अरे कोई नहीं जानते हैं कि कब तूफान आया, किसकी जान बचाई, जानते हैं? नहीं, कोई नहीं जानते हैं। अरे सेठ जी, इस स्टोरी में बहुत बड़ा लोचा है। इस लोचे में से हम ऐसे ऐसे कीड़े निकालूंगा कि मिसेस ब्रिटानिया चक्कर खा के गिर जाएंगी। अरे वाह भाई वाह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अभी थोड़ा देर पहले आप हमारे कपड़े उतार रहे थे। नहीं वो तो क्या है, बेटी की शादी के लिए। अरे काहे को टेंशन लेते हैं बेटी की शादी का, आप काहे को टेंशन लेते हैं? अरे हमारे रहते हुए टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। अब तो जानते हैं सुंदरदास ऑलवेज ठीक बोलता है, नॉनवेज नहीं खाता है, लेकिन दारू पीता है, दारू पीता है। हेलो हेलो, मे आई स्पीक टू जिया प्लीज? और मैं से क्या कहूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? जी राज। राज जिया, तुम्हारे लिए किसी राज का फोन है। हेलो राज, हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जरूर करना, वरना तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी मम्मी के सामने मैं तुम्हारी पप्पी ले लूंगा। ओके बाय। जिया ये राज कौन है? अ फ्रेंड मामा। अ फ्रेंड? अ गुड फ्रेंड? यस मामा। इस राज को तुम कब से जानती हो? केजी क्लास से। केजी क्लास से? और हमें पता ही नहीं। दिस राज, डू यू लाइक हिम? नो मामा, आई डोंट लाइक हिम, आई लव हिम।
जॉनी भाई, मरिया सुना आप लोगों ने, हमारी जिया इतनी बड़ी हो गई, ये किसी से प्यार करने लगी है। अल्ले, कल तक तो ये छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी गुड़िया जैसी थी। बेबी बेबी, ये राज, ये किस फैमिली का है? मिसेस चौधरी का ग्रैंडसन है मामा। इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है मामा? जिया, अब मैं, मरिया, जॉनी भाई, अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि क्या इम्पॉसिबल है? तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है बेटा, ये इम्पॉसिबल है। वो लोग बड़े आदमी हैं। हाँ, ऊंचे क्लास के लोग हैं, हमारे जैसे लोगों को तो वो बहुत छोटा समझते हैं। जिया, मिसेस चौधरी है ना, बाप रे, उनके तो नाम से लोगों को डर लगता है। क्यों मरिया, डर लगता है ना जॉनी भाई? डर लगता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिसेस चौधरी इंसान है या एटम बॉम्ब, जो आप लोग इतना डर रहे हैं। अरे, वो एक खामोश एटम बॉम्ब है, अगर उन्हें छेड़ा तो बम फट भी सकता है। क्यों जानी भाई, फट सकता है ना? बिल्कुल फट सकता है, बिल्कुल फट सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा मामा। ऐसा ही होगा जिया, मैं तो कहती हूँ तुम राज को भूल जाओ। बेटा, तुम ब्रिटानिया फैमिली की इकलौती बेटी हो। तुम्हारे पापा के शहीद होने के बाद उनकी फैमिली आज तक हमें इंडिया से पैसे बेचकर हमारी परवरिश कर रही है। आखिर उनका भी तो कोई हक बनता है हमारे ऊपर, उनसे पूछना भी तो हमारा फर्ज बनता है। तो मम्मा, इंडिया फोन करो, उनसे पूछ लो। हाँ, नहीं नहीं बेबी, शादी ब्याह का मामला है, इतनी जल्दी फैसला थोड़ी ना हो सकता है। क्यों जानी भाई, नहीं हो सकता ना? हाँ, नहीं हो सकता है। मामा, मैंने रात से वादा किया है, आज मैं आपके यहाँ लेकर ही रहूंगी। आज ही? यस मामा, आज ही और अभी। नामुमकिन। मगर क्यों? एक बार कह दिया ना नामुमकिन, अब अगर तुमने मुझे मजबूर किया ना तो समझ लो मेरी तुम्हारी कट्टी कट्टी कट्टी। मामा, मामा। Cheers!
जिया बेटा ये लो चेक, इसे बैंक से कैश करवा लेना। ओके। मैं अवार्ड्स कमेटी मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ, विश मी लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा। बाय। 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, द ग्रेट मदर अवार्ड 98 के लिए हमारे सामने दो कैंडिडेट्स के नाम आए हैं, मिसेस चौधरी एंड मिसेस आशा ब्रिटानिया। आप में से जिनकी राय मिसेस ब्रिटानिया के हक में है वो पहले अपने हाथ उठाकर अपना वोट दे दे। मिसेस ब्रिटानिया। अरे ये तो सारे के सारे वोट्स मिसेस ब्रिटानिया के हक में ही हैं। 100%। तो आप सबकी राय के मुताबिक इस साल का दी ग्रेट मदर अवार्ड 98 मिसेस आशा ब्रिटानिया को दिया जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसेस ब्रिटानिया, प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Mrs. Britannia. Ji. Aapko the Great Mother Award 98 ke liye chun liya gaya. Excuse me. Mujhe kuch dollars exchange karke Mauritian rupees chahiye. Of course, madam. Aapka passport. Here. Oh, Mrs. Kumar Sinha. Yeah. आपके हस्बैंड इलाहाबाद के रहने वाले हैं? जी हाँ। वो हमारे पुराने कस्टमर हैं। उनका हर महीने मिसेस ब्रिटानिया के नाम से चेक आता है। नहीं नहीं, वो कोई और मिस्टर सिन्हा होंगे? नहीं मैडम। मिस्टर कुमार सिन्हा, एन कुमार कंस्ट्रक्शंस, B75 संगम अपार्टमेंट, LB रोड, इलाहाबाद। तो उन्हीं के ऑफिस का एड्रेस है। वो हर महीने मिसेस ब्रिटानिया को चेक भेजते हैं? जी हाँ मैडम, मिसेस ब्रिटानिया के नाम 19 साल से हर महीने हिंदुस्तान से 3 चेक आते हैं। मिस्टर कुमार सिन्हा, मिस्टर अमर खन्ना एंड मिस्टर सुनील मलिक। क्या मैं आपका ये रजिस्टर देख सकती हूँ प्लीज? ऑफ कोर्स मैडम। थैंक यू। हेलो। ओह माय गॉड, मिसेस ब्रिटानिया? मिसेस ब्रिटानिया को तो मैं गोली मार दूंगी। श्रीमान कुमार सिन्हा, तुम्हारी तो खैर नहीं, चेक भेजते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम जिया ब्रिटानिया। ओह यस, ऑफ कोर्स। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं उनका अकाउंट चेक कर लूं। ओह, दिस इज राइट हियर। थैंक यू। जाओ, तुम्हारे बाप को ढूंढ कर लाओ। यस मम्मी। पापा पापा पापा, मम्मी बहुत गुस्से में है। अरे तुम्हारी मम्मी को गुस्से के अलावा आता ही क्या है? आता है ना। क्या आता है? शराब पीना आता है। ये क्या, तुमने शराब पी? हाँ पी। शराब तो क्या, थोड़ी देर बाद जहर भी पीना पड़ेगा। ये काम 15 साल पहले किया होता तो हमारा कुछ फायदा भी होता। यूप। सच सच बताओ, हर महीने 19 साल तक मिसेस ब्रिटानिया को चेक क्यों भेजे तुमने हिंदुस्तान से? बेवकूफों की तरह मत देखो मेरी तरफ, जवाब दो। मैंने चेक भेजे? ऐसा ऊट पटांग ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? बनोमत, तुम्हारा सारा काला पीला बैंक अकाउंट पढ़ कर आई हूं मैं, समझे? ऐसे रोमांटिक मौसम में तुम्हें बैंक जाने की क्या जरूरत थी? मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। मिसेस ब्रिटानिया को चेक क्यों भेजे तुमने? वो चक्कर क्या है तुम्हारा उसके साथ, बोलो? मैं पूछती हूँ, तुमने ये चेक क्यों भेजे? डार्लिंग,
मैं मानता हूं कि मैंने 19 साल तक ये चेक भेजे, लेकिन ये मेरा फर्ज था। फर्ज? कैसा फर्ज? हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूं उसके एहसान को। आज अगर वो ना होता तो मैं भी ना होता, मेरी तुम्हारी शादी भी ना होती, उससे पहले ही मैं मर गया होता। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सच्ची सच्ची, मैं कैसे भूल सकता हूं मिस्टर ब्रिटानिया को। 19 साल पहले उसने मुझे तूफानी समुद्र में डूबने से बचाया था। अगर वो ऐसा ना करता तो आज मैं तुम्हारे सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा ना होता। मेरी जिंदगी मिस्टर ब्रिटानिया की दी हुई अमानत है। लेकिन इससे पहले तो तुमने कभी किसी मिस्टर ब्रिटानिया का जिक्र ही नहीं किया। क्या जिक्र करता, बदनसीब था बेचारा, मुझे बचाते बचाते खुद डूब कर मर गया। उसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, बेचारी मिसेस ब्रिटानिया भरी जवानी में विधवा हो गई। उसके पेट में मिस्टर ब्रिटानिया का बच्चा भी था। बेचारी मिसेस ब्रिटानिया, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। दोस्ती के नाते, इंसानियत के नाते अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो क्या करता? श्रीमान कुमार, तुम कितने महान हो तुम। तुम्हारे विचार हिमालय पहाड़ से भी ऊंचे, यू नो, हिमालय पहाड़ से भी ऊंचे। अब मैंने तुम्हें इतना नीचे देखा। जी 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 जी, अरे तुमने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते किया। यू आर ग्रेट हस्बैंड, यू आर सिंपली ग्रेट। तुम इंसान नहीं, देवता हो, देवता। हस्बैंड, यू आर फरिश्ता, यू आर देवता। आई लव यू। तुम अकेले नहीं, तुम तीनों महान, तीनों ग्रेट हो, ग्रेट। ये बाकी तो कौन है? सुनील और अमर, जो तुम्हारी तरह मिसेस ब्रिटानिया को बराबर चेक भेजते रहे हर महीने 19 साल। ग्रेट। सुनील और अमर, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मिस्टर ब्रिटानिया ने उन्हें भी तूफानी समुद्र में डूबने से बचाया था। हस्बैंड, तुम पति होकर अपनी पत्नी से छुपा सकते हो तो क्या वो दोस्त होकर अपने दोस्त से नहीं छुपा सकते? छुपा सकते हैं, जरूर छुपा सकते हैं, और छिपाना ही चाहिए। तुम तीनों मानो, ग्रेट। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जा करो मेरे देवता। कमिटी मीटिंग, इम्पोर्टेंट कमिटी मीटिंग। कमिटी मीटिंग, इम्पोर्टेंट कमिटी मीटिंग, ग्रेट। कल वाटरफ्रंट पे क्या हुआ? यहाँ बैठिए दोनों। ऐसा कुछ नहीं। ओहो, मधु, सपना, हम तीनों कितनी नसीब वाली हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे आज जब मैं बैंक गई तब मुझे सारी सच्चाई का पता चला। हमें तो अपने पतियों की पूजा करनी चाहिए। एक दूसरे को बताए बिना वो 19 साल तक मिसेस ब्रिटानिया को पैसे भेजते रहे। They're really so sweet. क्या? हमारे पति मिसेस ब्रिटानिया को 19 साल से पैसे भेज रहे हैं? अगर क्यों? और तुम कहती हो कि उनकी पूजा करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। आज अगर तुम सुहागन हो और तुम्हारे पति जिंदा है तो वो मिसेस ब्रिटानिया के हस्बैंड के वजह से, जिन्होंने अपनी जान देकर हम तीनों के हस्बैंड को समुद्र में डूबने से बचाया है। बेचारी मिसेस ब्रिटानिया विधवा हो गई। हाउ सैड। पता है तब उनकी कोख में मिस्टर ब्रिटानिया का बच्चा पल रहा था, इसीलिए हमारे पति अपनी जिंदगी का एहसान चुकाने के लिए मिसेस ब्रिटानिया को पैसे भेजते रहे हर महीने 19 साल। सो स्वीट। मिसेस कुमार, बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे अगर मैं ठीक कह रही हूं तो जाकर अपने अपने पतियों को बताओ कि अब तुम्हारी नजर में उनकी इज्जत कितनी बढ़ गई है। यू मस्ट टेल देम। और हमें मिसेस ब्रिटानिया को भी मिलना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए ना कि हमें उनकी दुख भरी कहानी के बारे में सब पता है। हमें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी पत्नियों को अपने हिंदुस्तानी पतियों पर कितना नाज है। यस, यू आर राइट मिसेस कुमार। ओह माय गॉड।
हेलो, आज मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हो? इसलिए कि तुम कितने ग्रेट हो, तुम कितने सालों से पैसे भेज रहे हो मिसेस ब्रिटानिया को। मिसेस ब्रिटानिया को? ये तुमको किसने बताया? मुझे सब पता चल गया है, और रुपए भेजने वालों में कुमार और सुनील भी शामिल हैं। कुमार और सुनील भी? हाँ, वो भी मिसेस ब्रिटानिया को 19 साल से रुपए भेज रहे हैं। 19 साल से? बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? कमिटी मीटिंग। जानते हो सुनील, आज से मेरी नजरों में तुम्हारी एक अलग ही तस्वीर बन गई है। तुमने मिसेस ब्रिटानिया और उनकी बेटी के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो आज की दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी इंसान के लिए नहीं कर सकता। पूरे 19 साल तक उन्हें चेक भेजते रहे। वाह सुनील, वाह, यू आर रियली ग्रेट। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या जूते मार रही हो? लो, अरे तुम्हारी तो आरती उतारनी चाहिए, और साथ में अमर और कुमार की भी। क्यों, क्या उन्होंने भी 19 साल तक किसी को चेक भेजे थे? मिसेस ब्रिटानिया को? क्या? क्या, क्या, क्या कह रही हो तुम? सच, कितने अच्छे हो तुम तीनों। अरे कहाँ चल दिए? कमेटी मीटिंग है। एक मिनट। मरिया, मरिया, कमिंग मैडम, कमिंग। मरिया, जिया कहाँ है? बैंक से आ गई? यस मैडम, बैंक से तो आ गया, लेकिन बहुत गुस्सा में है। गुस्से में? हाँ। क्यों? कहाँ है मेरी बच्ची? जिया, जिया, जिया बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी मामा को ग्रेट मदर का अवार्ड मिलने वाला है। जिया, ये तीनों इंडियंस कौन है मामा? क्या रिश्ता है आपका इनसे? 19 साल से हर महीने ये तीनों आपको चेक क्यों भेजते रहे? माय फादर मिस्टर ब्रिटानिया, अरे ऐसा आदमी कभी था ही नहीं, और ना ही कोई ब्रिटानिया फैमिली थी, और ना ही मेरे पापा ने किसी हिंदुस्तानी की जान बचाई थी। ये सिर्फ आपने एक मनगढ़ंत कहानी घड़ी थी मुझे झूठा दिलासा देने के लिए। असली कहानी तो ये है कि मेरा एक बाप नहीं, तीन बाप है। ये तीन इंडियंस मेरे बाप हैं, और आप एक बिन बिहाई मदर, और मैं इन तीनों की नाजायज औलाद हूँ। स्टॉप इट जिया, स्टॉप इट, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। मैंने तो आपको एक नेक, शरीफ और कैरेक्टर वाली माँ समझा था, मगर आपका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। जिया, आप जैसी गिरी हुई औरत को ग्रेट मदर का अवार्ड मिल रहा है, ये हर माँ की तौहीन है। ग्रेट मदर का अवार्ड एक ग्रेट मदर को मिलता है, एक गिरी हुई औरत को नहीं, एक बच्चलन औरत को नहीं। आपके इस थप्पड़ ने साबित कर दिया कि जो कुछ भी मैंने कहा वो सच था, और एक सच आप भी सुन लीजिए, आज के बाद ना तो मेरा आपसे कोई ताल्लुक है और ना इस घर से। मिसेस ब्रिटानिया, जिया को रोको। मैडम, जिया बेबी, जिया बेबी। अगर गुस्से में कुछ उल्टी सीधी हरकत कर गई तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। रोकिए प्लीज। थ्रोबेज पुलिस स्टेशन, चक्रवर्ती स्पीकिंग। मैं मिसेस ब्रिटानिया बोल रही हूँ। हेलो मिसेस ब्रिटानिया, गुड आफ्टरनून। ऑफिसर, एक लड़की मेरी गाड़ी चुरा कर भाग गई है, उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट है प्लीज। कैसी माँ है आप, अपनी ही बेटी को जेल में डालने का इंतजाम कर दिया। जी हाँ, बेबी को प्यार से समझाने का था, सब ठीक हो जाता। हाँ। अरे उसके लिए एक रात जेल में रहना बेहतर है, बजाय इसके कि वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। कल सवेरे में पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जिया को प्यार से समझा कर घर ले आऊंगी।
चाय? नहीं मरिया। हेलो, गुड आफ्टरनून मिसेस ब्रिटानिया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऋषि स्पीकिंग। आपकी लड़की का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया? हम उसको सर शिवसागर राम गुलाम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैं अभी आ रही हूँ। जिया का एक्सीडेंट हो गया। हाँ? जिया का एक्सीडेंट? ओह माय गॉड, इसका मतलब है आशा को मैं अब तक 21 लाख रुपए भेज चुका हूँ। मैं उल्लू का पट्टा, एक कंपनी के सारे शेयर उसके नाम कर दिए, कुल मिला के 31 लाख का फटका पड़ा है मुझे। और मेरा टोटल तो 27 लाख तक पहुंच गया। आशा ने हम तीनों को बेवकूफ बनाया। हम तीनों को उसने उषा फैन की तरह घुमा दिया और हम उल्लू के पट्टों की तरह घूमते रहे घूमते रहे। मिस्टर ब्रिटानिया, मिस्टर ब्रिटानिया। और देखो मेरा क्या हाल हो गया, माल भेजते भेजते सारे बाल चले गए। अरे नई टेक्निक से बाल तो आ जाएंगे लेकिन माल कहां से उगाएंगे? यू नो कल सुबह 10 बजे मुझसे मिलने गया था। अरे 10 बजे तो मैं उससे मिलने गया था। तुम भी? हाँ, लेकिन वहां तो इंश्योरेंस वाला अंदर था। मुझसे कहा कि इंश्योरेंस वाला बाहर है। अरे जब मैं अंदर था तो मुझसे भी यही कहा कि इंश्योरेंस वाला बाहर खड़ा है। अरे बाहर तो मैं खड़ा था, बार बार दरवाजा मेरे मुंह पे मार रही थी और कह रही थी कि इंश्योरेंस वाला अंदर खड़ा। लेकिन अंदर तो मैं था। अरे ठहरो ठहरो, इसका मतलब ये हुआ कि उसने हम तीनों को इंश्योरेंस वाला बनाकर खूब बेवकूफ बनाया। इतना रुपया भेजने के बाद उस लड़की का बाप कौन है ये पूछना तो हमारा हक बनता है? इसमें पूछने की क्या बात है, जिया का बाप मैं हूँ। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। अच्छा, तो ला मेरे 31 लाख और बन जाओ उसका बाप। है मिसेस ब्रिटानिया ही बता सकती हैं कि जिया का असली बाप कौन है। राइट, मदर ही जानती है कि असली फादर कौन है। उसने हम तीनों से पैसे लिए, क्या कहते हैं उसे, चीट किया है। चीट, हाँ, चीट किया। चलो उसे ठीक करते हैं। पाजी, लेट्स गेट मूविंग। ओह नो, तीनों एक साथ। मिसेस ब्रिटानिया को बाहर बुलाओ, हमको पाई पाई का हिसाब लेना है। किधर है वो? मैडम हॉस्पिटल गया है। हॉस्पिटल क्यों? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसका? जिया बीबी का। जिया बीबी का? सोच क्या रहे हो? पाजी, आप लोग हॉस्पिटल नहीं जाना, प्लीज सर डोंट गो, नहीं जाना हॉस्पिटल, नहीं जाना, गड़बड़ हो जाएगा। आया बाबा, आया आया। हेलो, आप तीनों एक साथ? Oh, never mind. Mrs. Britannia घर में है? नहीं है। Oh, how's that? Wow, कितना खूबसूरत घर है ना? अरे आज तो उनको मानपत्र मिलने वाला है, ग्रेट मदर का। यही बताने के लिए तो आए हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन मैडम घर पर नहीं है। देखो मारिया, तुम उनसे कह देना कि हमें पूरी कहानी का पता चल चुका है। आपको पूरा स्टोरी मालूम हो गया? Yes, मारिया। फुल स्टोरी? हाँ, A to Z मालूम हो गया है। A to Z मालूम हो गया? हाँ हाँ, हमें सब कुछ मालूम हो गया है। ओह, अब इंडियन औरत कितना ग्रेट है। देखो मारिया, जो मिसेस ब्रिटानिया के साथ हुआ वो तो किसी भी औरत के साथ हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो टाइम हमारा मैडम कितना छोटा था, 16 साल का, स्वीट 16। 10 दिन में तुम तीनों का हस्बैंड उनका लाइफ में आया और इंडिया चला गया। फिर तुम्हारा हस्बैंड लोग 19 years चेक भेजकर मैडम का मदद करता रहा। What a beautiful love story. मारिया, मिसेस ब्रिटानिया कहाँ है? हॉस्पिटल में, एक मदर, तीन फादर, एक डॉक्टर, सब मिलने वाला है। Come on. Let's go to the hospital. चल। जिया, जिया मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? Are you all right? काश कि मैं मर जाती। ओ जिया, मेरी जिंदगी पहले ही जख्मों से भरी हुई है, उन जख्मों को और चोट ना पहुंचाओ। Why not? तुम्हारी परछाई से मेरी जिंदगी जल गई है, मेरी सारी खुशियां जल गई हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारी बदनाम जिंदगी से जुड़ी हुई है। जिया, मेरी जिंदगी में जो अनहोनी हुई है वो मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी में दुनिया की हर औरत ऐसी ही गलती करती है जो आपने की है? एक मजबूर औरत कोई भी गलती कर सकती है जिया, मजबूरी में ही औरत तवायफ बन जाती है या फिर वक्त और हालात से हार कर आत्महत्या कर लेती है। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मजबूरी आई नहीं ना, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि मजबूरी क्या होती है। मैं नहीं मानती कि दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी है जो इंसान को इतना गिरने पर मजबूर कर दे। मजबूरी थी जिया, जानना चाहती हो तो सुनो, मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना जी को कैंसर हो गया था, अचानक ढेर सारे रुपयों की जरूरत पड़ गई थी
मैं अकेली लड़की जात कितने सारे रुपए कहाँ से लाती? क्या कैंसर से तड़पते हुए मेरे पापा को मरने के लिए छोड़ देती? थोड़े से वक्त में ढेर सारे रुपए इकट्ठा करने के लिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैंने पाप जरूर किया है जिया, मगर उस पाप में भी एक पुण्य की भावना छुपी थी, मेरे पापा को बचाने की भावना। मगर अफसोस, ना मैं अपने पापा को बचा सकी और ना ये दाग मिट सका। Fantastic! Good story, मामा। कहानी बनाने में तो आप मास्टर हैं। What? तुम्हारा मतलब है कि ये एक कहानी है? ये झूठ है? Yes! जिस तरह आपने मिस्टर ब्रिटानिया की एक झूठी कहानी बनाकर 19 सालों तक इस शहर के लोगों को और अपनी बेटी को बेवकूफ बनाया, उसी तरह ये भी एक झूठी इमोशनल स्टोरी है। मेरी जिंदगी की सच्चाई तुम्हें एक झूठी कहानी लग रही है? सच तो सिर्फ ये है कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ। आपने उन तीनों को अपना जिस्म नहीं बेचा, बल्कि बदकिस्मती की चौखट पर मेरी तकदीर बेच दी, मेरा प्यार बेच दिया। एंड व्हाट अ सरप्राइज, आज शहर वाले आपको ग्रेट मदर का अवार्ड देने वाले हैं। मगर आप उस अवार्ड के काबिल नहीं हैं। यू डोंट डिजर्व इट। लेकिन ग्रेट मदर साबित करने के लिए आप वहां भी कोई अच्छी सी कहानी गढ़ देंगी जिसे सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो जोर जोर से तालियां भी बजाएंगे। लेकिन ये सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आई विल कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नाउ प्लीज गो, गो प्लीज गो। ठीक है, आज मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, सामाजिक आत्महत्या। आज मैं अवार्ड फंक्शन में जाकर सबके सामने अपनी असलियत बता दूंगी, कह दूंगी कि मैंने 3 आदमियों को चीट किया, अपनी बेटी को चीट किया। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली एक गुनेगार माँ हूँ मैं। 19 साल तक 3 आदमियों से रुपए चुराने वाली एक चालबाज औरत हूँ मैं। मैंने एक नहीं 3 आदमियों के साथ नाजायज ताल्लुक जोड़े हैं। मैं इस अवार्ड की बिल्कुल लायक नहीं हूँ। आई विल गो देयर एंड अनाउंस टू द होल वर्ल्ड कि मैं एक ग्रेट मदर नहीं, एक ग्रेट होर हूँ। हैप्पी आशा, आशा रुक जाओ। रुकने के लिए इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। रुक जाओ आशा, रुक जाओ। अच्छा, हमारे चेक कैश कराने का तुम्हारे पास टाइम था। हम जानना चाहते हैं कि हम आपके हैं कौन। हाँ। अच्छा, अगर यही सवाल मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या जवाब है आप लोगों के पास कि मैं आपकी हूँ कौन और आप मेरे हैं कौन? जिया का बाप। मैंने 19 साल में तुम्हें 21 लाख रुपए भेजा है। मैंने 27 लाख और मैंने 31 लाख। रुपए भेजने से आदमी बाप नहीं बन जाता। माँ बनकर मैंने कितनी तकलीफें उठाई है। एक पति और बाप के सहाय के बगैर एक बेटी और उसकी माँ किस तरह जी रहे होंगे, कभी सोचा आप लोगों ने? तुम्हारी बच्ची को मैंने ही माँ और बाप बनकर पाला है, उसे सोसाइटी में सर उठाकर जीने लायक बनाया है। She is your flesh and blood, तुम्हारा अपना खून। मैंने तुमसे या तुमसे कभी पैसे नहीं मांगे, वो तो तुम्हारी अपनी खुशी थी और तुम लोगों ने अपनी खुशी से मुझे पैसे भेजे। And for your kind information, वो सारे रुपए मैंने तुम्हारी बेटी की परवरिश में खर्च किए हैं और आज आप लोग आए हो उन रुपयों का हिसाब मांगने, एक अच्छे बाप की तरह। अगर आप लोग अच्छे बाप होते तो मॉरिशस आकर अपनी बेटी को बाप का नाम देते। 19 साल तक आप लोगों में से कोई आया है यहाँ और आज आए हो बाप का हक जताने, हैं? आशा, हम भी यही जानना चाहते हैं, हम तीनों में से जिया का बाप है कौन? वाह, 10 दिनों में तुम तीनों मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आए और आंधी की तरह चले गए। मैं कैसे बता सकती हूँ कि तुम तीनों में से जिया का बाप कौन है? मैंने कैसे कैसे खुद को जमाने की रुसवाइयों से बचाया है ये मेरा दिल जानता है, मेरा भगवान जानता है। मगर मैंने अपनी बेटी की नजरों में जो मेरी तस्वीर बनाई थी वो तुम लोगों ने यहाँ आकर तोड़ दी, मेरी बेटी की नजरों से मुझे गिरा दिया। तुम लोग अपने आप को जिया का बाप समझते हो ना, तो जाओ बचा लो अपनी बेटी को, क्योंकि वो इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और आत्महत्या पे उतारू है। She wants to commit suicide. Do you understand? क्या? मेरी बेटी सुसाइड करने जा रही है? तेरी नहीं, मेरी बेटी। अरे बेटी किसी की भी हो, सबसे पहले हमें उसे आत्महत्या करने से बचाना चाहिए। चलो चलो, come on. Mrs. Britannia, ठहरो, ठहर जाओ। कैसी औरत हो तुम, हा? हम तीनों की जिंदगी से खेल गई तुम?
जिया, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम आत्महत्या कर सकती हो? क्यों, आप लोगों को क्या एतराज है? क्योंकि तुम हमारी बेटी हो। बाप एक होता है, तीन नहीं। तो ठीक है, आज मैं सारी दुनिया के सामने ऐलान कर दूंगा कि तुम मेरी बेटी हो, अपनी बीवी से भी नहीं डरूंगा। बिल्कुल मत डर। बिल्कुल नहीं डर। तुम्हें कोई है एतराज है? जी हाँ, बिल्कुल एतराज है, क्योंकि जिया सिर्फ हमारी नहीं, हम सब की बेटी है। हाँ, और मिसेस ब्रिटानिया की कहानी सुनने के बाद हमने ये फैसला किया है कि हम तीनों पत्नियां अपने तीनों पतियों को माफ कर दे। क्या कह रही हो? जिया बेटे, तुम्हें अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए। जिया बेटा, देखो अगर तुम ही अपनी माँ का दर्द नहीं समझोगी तो उनके आंसू कौन पोछेगा? उन्होंने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। नहीं जिया, उन्होंने तुम्हें सिर्फ प्यार दिया है, और यही वजह है कि आज हम सब ये महसूस कर रही हैं कि तुम बहुत नसीब वाली हो, क्योंकि तुम्हारी एक नहीं चार माँ है। और जिया, अब बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी और हम सब फिर मॉरिशस लौट कर आएंगे और हम सब मिलकर तुम्हारा कन्यादान करेंगे। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। हाँ बाबा, प्लीज। नहीं, मेरी शादी नहीं हो सकती। नहीं जिया, तुम्हारी माँ की सारी कहानी जानने के बाद मेरी नजरों में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई है। राज, तुम? अगर तुमने उनकी शान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं करूंगा और शादी भी नहीं करूंगा। तो क्या ये सब जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, अगर तुम अपनी माँ की इज्जत करोगी, उनसे प्यार करोगी, तो मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार करूंगा और सारे जमाने के सामने तुमसे शादी करूंगा। जिया, तुम्हारी माँ फंक्शन में सबके सामने अपना गुनाह कबूल करने गई है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये दुनिया वाले उनको कभी माफ नहीं करेंगे। अब भी वक्त है, उठो चलो अपनी माँ को बचा लो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ जिया, जल्दी चलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिया, तुम्हें एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ जिया, अगर वक्त हाथ से निकल गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। चलो जिया, जल्दी करो, चलो। कम ऑन, प्लीज, चलो। कम ऑन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ग्रेट मदर अवार्ड के लिए जो आप लोगों ने मुझे चुना है, उसके लिए मैं आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन आज मैं आप सबको अपने जीवन के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूं, क्योंकि ये मेरी और मेरी लाडली बेटी की तमन्ना है। कभी कभी एक झूठ भी इंसान को तबाह कर सकता है, और कभी एक सच भी। लेकिन अगर आज मुझे तबाह होना ही है तो मैं सच बोलकर ही तबाह होना चाहूंगी, और इस सच की गवाह इस सारे मॉरिशस में सिर्फ एक ही महान हस्ती है, और वो है मिसेस चौधरी। मम्मी, अगर कोई ऐसा सच है तो बता दीजिए सबको, बर्बाद कर दीजिए इसको और इसकी बेटी को। हाँ बेटी, सच तो बोलना ही पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सच ये है कि मैं एक जब जब देखो तुझे आए भगवान नजर, बच्चे माँ से रूठ भी जाए, माँ बच्चों से रूठे ना, सारे रिश्ते टूट भी जाए, मिसेस ब्रिटानिया, आप कुछ सच बताने वाली थी, बीच में गाना आ गया। अच्छा था, अब तो गाना भी समाप्त हो गया है। बोलिए ना, वो सच क्या है, बोलिए। हाँ।
मिसेस बेटानिया, आप चुप कहे हो गई? अरे आप तो सच बताने आई थी, बताइए ना वो सच क्या है जिससे जिंदगी आपकी तबाह हो सकती है, बोलिए ना। अरे लोग भी तो जाने, आप नहीं बोलेंगी? ठीक है तो हम ही बोलता हूं, क्योंकि सुंदर दास ऑलवेज ठीक बोलता है और नॉनवेज नहीं खाता है। देखिए ये सारे मॉरिसियन अच्छी तरह जानते हैं कि सुंदर दास मॉरिसस के गले कूचे में ऑलवेज घूमता रहता है, लेकिन आज तक हम किसी बिटानिया को देखे भी नहीं और उसके बारे में सुने भी नहीं। फिर आपका ये हस्बैंड मिस्टर बिटानिया था कौन, बोलिए? आप तो अपनी बेटी की शादी मिसेस चौधरी के ग्रैंडसन के साथ कराने के चक्कर में है, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी। हाँ, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये लड़की कैसे पैदा हो गई? और अगर पैदा हो भी गई है तो इसका बाप कौन है? और बाप का अता पता नहीं है तो ये नाजायज औलाद है, और किसी भी नाजायज औलाद से मिसेस चौधरी अपने ग्रैंडसन का रिलेशन नहीं जोड़ सकते हैं। देखे हम तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जिस तरह सूरज के माथे पर आग होती है उसी तरह आशा की बेटी मॉरिसस के माथे पर बदनामी का दाग है। अरे माँ बाप का किया हुआ औलाद के सामने नहीं आएगा तो किसके सामने आएगा? सच कहा तुमने सुंदर दास। थैंक यू मिसेस चौधरी, आप तो जानती हैं सुंदर दास ऑलवेज ठीक कहता है और नॉनवेज नहीं खाता है। ये औरत इंसानियत के नाम पर एक शर्मनाक धब्बा है। ऐसी औरतों को सरेआम पत्थर मार का खत्म कर देना चाहिए। ठीक बोलते हैं। गले में फंदा डालकर शहर के लैंप पोस्ट से लटका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोलती है मिसेस चौधरी। हाँ। मगर सजा तो उसी को दी जाती है जिसके गुनहगार होने का कोई सबूत हो। सुंदर दास, जितने इल्जाम तुमने मिसेस ब्रिटानिया पे लगाए हैं उनका एक भी सबूत है तुम्हारे पास? अरे मिसेस ब्रिटानिया से पूछे मिसेस चौधरी कि इनके पास क्या सबूत है कि जो कुछ हम बोला हो वो झूठ है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। इनसे पूछने से पहले मैं तुमसे पूछती हूँ सुंदर दास, सेठ धनराज की बेटी के साथ मेरे ग्रैंडसन का रिश्ता जोड़कर तुम्हें कितनी दलाली मिलेगी? 10,000, 50,000, लाख, 2,00,000? सेठ जी कितना देंगे? तेरा पेट भर दूंगा। ठीक है ठीक है। इस शहर में मिसेस ब्रिटानिया की इज्जत अनमोल है, तुम और सेठ धनराज अपनी जिंदगी बेचकर भी इनकी इज्जत की कीमत नहीं चुका सकते। ये तो उल्टा बोलते हैं। मैं पूछती हूँ, पूरे मॉरिशियस में एक भी आदमी ऐसा है जो मिसेस ब्रिटानिया को बदचलन, आवारा और चरित्रहीन साबित कर सके? सुंदर दास, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें क्या हक है इसके बेदाग आंचल पे कीचड़ उछालने का? बिना सबूत के एक शरीफ औरत को सबके सामने इस तरह जलील करने का किसने तुम्हें हक दिया है? अरे सर जी, ये तो अपने गले पड़ गई। सुंदर दास, मैं जानती हूँ मिसेस ब्रिटानिया के पास अपनी बेगुनाही का सबूत है, और वो सबूत मैं हूँ मिसेस चौधरी। कान खोल कर सुन लो सुंदर दास, मैं और मेरे स्वर्गवासी पति मिस्टर ब्रिटानिया को अच्छी तरह से जानते थे। वो एक अच्छे इंसान और एक इंडियन थे। मैंने और मेरे पति ने इसके शादी में इसका कन्यादान किया था। मैं हूँ इसकी शादी की गवाह। और अब ये भी कान खोल कर सुन लो सुंदर दास, जब मॉरिशियस के समुद्र में तूफान उठा था तो इसके पति ने अपनी जान देकर इन 3 इंडियंस को बचाया था।
ये खड़े हैं तुम्हारे सामने एक सबूत की शक्ल में, पूछो इनसे ये सच है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। सुंदरदास जी, अगर आपको मिस्टर ब्रिटानिया को देखना है तो हमारी आंखों में झांक के देखो, उनकी सूरत साफ नजर आ जाएगी, क्योंकि वो हमारा दोस्त था, यार था। मैं कात्राबोन के लोगों से पूछती हूँ, क्या इस औरत ने अपना जीवन इस इलाके के लोगों की सेवा में नहीं बिताया? हाथ उठाकर इस बात का सबूत दीजिए। देखो सुंदरदास, ये वो हाथ हैं जो आशा की सच्चाई और महानता के गवाह है, और मैं खुद मिसेस ब्रिटानिया की कितनी इज्जत करती हूँ ये भी जान लो। राज, जिया को मेरे पास लेकर आओ। मैं आज मिसेस ब्रिटानिया को वचन देती हूँ और आप लोगों के सामने अनाउंस करती हूँ कि मैं अपने ग्रैंडसन की शादी जिया से करूंगी। आशा पे जो झूठे इल्जाम लगाए हैं उसकी सजा आप लोग खुद दीजिए। मारो, मारो, मारो। एक शरीफ औरत पे इल्जाम लगाता है। हम कसम खाता हूँ, आज के बाद ऑल वेज झूठ बोलूंगा और ओनली नॉन वेज खाऊंगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है, लेकिन चिंता मत कीजिए, उन दोनों का शादी होने दीजिए, हम उनका तलाक करवाऊंगा और उसके बाद राज का शादी आपकी बेटी के साथ करवाऊंगा। शट अप। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अब मिसेस ब्रिटानिया को ग्रेट मदर का अवार्ड देती हूँ। बेटी, जिस झूठ से किसी की इज्जत बच जाए, ऐसा झूठ तो हजारों सच से भी महान होता है। अरे अपने बच्चे बच्चे कहाँ हैं? वो तो सामान के साथ ही एयरपोर्ट चले गए। अच्छा, सुनिए जी, क्या हम जिया को अपने साथ हिंदुस्तान नहीं ले जा सकते? जिया को तो सभी हिंदुस्तान ले जाना चाहते, लेकिन हमारी आशा को कोई नहीं ले जाना चाहता। मजाक मत कीजिए, आपने तो मुझे एक के बाद एक दोनों बेटे ही दे दिए, लेकिन बेटी आशा को दे दी। मुझे भी एक बेटी चाहिए। चाहिए? चलो ट्राई करते हैं। अभी अभी देर हो रही है, एयरपोर्ट जाना, चलिए हिंदुस्तान में ट्राई करेंगे। अभी अच्छा सुनिए, हमारी एक बेटी तो हॉस्टल में रहती है, क्या हम जिया को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ नहीं रख सकते? क्या जिया के हमारे साथ रहने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आशा के जीने का सहारा जिया है, जिया के बिना वो जी नहीं पाएगी। लेकिन जिया की शादी की शॉपिंग के लिए हम उसे इंडिया जरूर बुलाएंगे। हाँ, और उसकी शादी का जोड़ा मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। चलो जिया हमारे साथ हिंदुस्तान नहीं जा सकती, मतलब मुझे मम्मी कह के बुलाने वाला इस जन्म में कोई नहीं होगा। ऐसा क्यों सोचती हो? हम जब जिया की शादी में यहां दोबारा आएंगे, उसका कन्यादान करेंगे, तब वो तुम्हें मम्मी कह के गले लगाएगी और मुझे पापा कहकर, उस दिन हम दोनों का जीवन सफल हो जाएगा।
परदेसी तू है परदेसी आते हैं चले जाते हैं परदेसी तू है परदेसी आते हैं चले जाते हैं कुछ समझना हमको तुम्हारी याद ना आएगी जब देखेंगे तस्वीर तुम्हारी आंखें भर आएंगी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो चुपके से निभाए जाते हैं परदेसी तो है परदेसी आते हैं चले जाते हैं दिल करता है आज पुकारूं तुमको मैं अपना कहेगी Cheers.